बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और आपको ये नया दिन, आज है वीक का पहला दिन मंडे, बहुत बहुत मुबारक हो। और रब का शुक्र अदा करते हैं मिलकर के ज़िंदगी में एक और ख़ूबसूरत सुबह, एक और नया दिन जो है वो हमें नसीब हो सका। और कोशिश यही रहेगी कि आज के दिन कुछ बेहतर हम कर सकें, अपने लिए भी और हमारे अमल से, हमारे कॉल से दूसरों को भी जो है वो फ़ायदा पहुंच सके। तो अच्छी सी एनर्जी के साथ अपने वीक का, अपने दिन का जो है वो आप आगाज़ करें, ताकि एक जब एनर्जी अच्छी होती है तो फिर सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होने लग जाती हैं। सो जनाब, आज के दिन भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम प्रोग्राम में आपके लिए लेकर आए हैं। डेफिनेटली 12 बजे तक रहेगा आपका हमारा साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं कुछ सीखने को, कुछ जानने को, कुछ समझने को, जो आज जी उठा पाकिस्तान में आपके साथ हम शेयर करेंगे। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मौसम। हमेशा की तरह पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, वैसे तो तमाम शहर हमारे अपने हैं, हर जगह की फ़िक्र होती है हमें, लेकिन कुछ शहर ऐसे जिनके मौसम के हवाले से हम आपके साथ चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। तो कराची के मौसम का अगर हम जिक्र करें तो अनएक्सपेक्टेड रेन जो है वो कराची में रही, लेकिन आज सनी डे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 33 डिग्री जो है वो टेम्परेचर रहेगा कराची का। इसके साथ साथ अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में भी आज सनी डे है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर है लाहौर का, सनी डे रहेगा। एंड इसके साथ साथ अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद वालों के लिए खबर ये है कि टेम्परेचर तो है 28 डिग्री, लेकिन थंडर स्टॉर्म जो है वो एक्सपेक्टेड है, तो आप थोड़ा ख्याल कीजिएगा, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर मत निकलें। लेकिन ओवरऑल अगर हम टेम्परेचर की या मौसम की बात करें तो बहुत चेंज हो गया है, बट उसके बावजूद जो है वो बारिशों का एक ऐसा स्पेल देखा कराची वालों ने जो बड़ा हैरान कन था। प्रॉब्लम ये नहीं थी, बारिश तो रहमत है, अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह ने अपनी रहमत बरसाई। और ये जो आप खूबसूरती देख रहे होते हैं, ये जो हम अपने दरख्त पौधे देख रहे होते हैं, एक रौनक आ जाती है इनमें जब बारिश होती है, लोगों के मूड बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन कराची वालों के लिए यकीन करें, ये सितंबर गर्मी की वजह से तो सितंबर रहा ही, लेकिन मौसम अपनी जगह बड़ी खूबसूरत रुत लेकर आता है, लेकिन जो सिस्टम की ख़राबी थी, एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली थी, उसकी वजह से जो है ये बारिश के बाद जो मसाइल पैदा हुए वो लोगों के लिए सितमगर बन गए। इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा लोगों को कि जब बारिश की चंद बूंदें पड़ती थीं सो सड़कों पर पानी जमा हो जाता था, बिजली गायब हो जाती थी। और एक बड़ा नंबर है कि बारिश में करंट लगने की वजह से जो है वो लोग जो है जाँ बहक हो गए। और इस तरह की चीज़ें जब आप सुनते हैं, आप इस तरह की खबर सुनते हैं, तो दिल बड़ा तकलीफ़ जो है में आ जाता है। इंसान कहता है कि यार ये क्या सिचुएशन है, हम कहाँ रहते हैं। इस शहर की अगर मैं बात करूँ, मेरा शहर कराची, मेरा शहर, मैं यहाँ पैदा हुई, और जैसे बहुत सारे लोग हैं जो यकीनन पाकिस्तान से भी हम बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन अपने शहर से हमेशा मैं कहती हूँ कि एक उनसियत, एक वाबस्तगी बहुत ज़्यादा रहती है। मेरे शहर को रोशनियों का शहर कहा जाता है। ये जो मेरा शहर है ये बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला बिज़नेस हब इसे कहा जाता है। लेकिन पिछले कुछ हफ़्तों से, अगर मैं कहूँ कुछ महीनों से, मैं ये सुन रही हूँ कि ये शहर जो है वो गंदगी का शहर बन गया है, कचरे का शहर बन गया है, तो मुझे तकलीफ़ है। मैं ये जुमला नहीं सुनना चाहती अपने शहर के लिए। कई साल गुजारे यहाँ, बड़े हुए यहाँ, पढ़े यहाँ, ज़िंदगी के शब रोज़ गुजारने के बावजूद भी शायद ये जो इस वक्त कराची की सूरत हाल है, ये शायद हमने पहले नहीं देखी थी कि इतनी अबतर सिचुएशन हो जाए कि जगह जगह कई टन जो है वो कचरा जमा हुआ हुआ है। और जितने भी कराची के स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी इदारे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त संभाल रहे हैं, वो कहाँ हैं? लाखों ने करोड़ों रुपए का बजट जो है वो खर्च हो चुका है। हर बार एक नई मुहिम चलाई जाती है, चाहे वो विफाक की तरफ से हो, चाहे वो सूबाई हुकूमत की तरफ से हो, लेकिन पैसा खर्च हो जाता है, रिज़ल्ट कुछ नहीं आता, बल्कि उससे ज़्यादा अबतर सूरत हाल, उससे ज़्यादा जो है बेहंगम सिचुएशन जो है वो हमें देखने को मिल रही होती है। बारिश है, कचरा है, मसाइल है, एग्जैक्टली ये सब चीज़ें मौजूद हैं, बट इसके साथ साथ एक सिस्टम है, एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, एक नहीं कई इदारे ऐसे हैं जो तनख्वाहें ले रहे हैं। हम आवाम इस वक्त महंगाई का बोझ भी देख रहे हैं, अपना पेट काट कर हम टैक्स पे करते हैं ताकि जो गवर्नमेंट के इदारे में काम करने वाले लोग हैं इनको तनख्वाहें मिल सकें। इनको तनख्वाहें मिल रही हैं लेकिन काम नहीं हो रहा, इनको कौन पूछेगा? और अभी एक इस तरह से लॉ भी पास किया गया
कानून बनाया गया कि कोई शख्स अगर अपने घर के बाहर कचरा फेंकता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उस पर जो है वो दफा लगाई जाएगी। आई डोंट नो, मैं लॉ की स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे इतना नहीं पता। बिल्कुल ठीक बात है, किसी भी शहरी को ये हक नहीं है कि वो अपने शहर को गंदा करे या कचरा फेंके। लेकिन मैं आप लोगों से ये भी सवाल करना चाहती हूँ कि लोग जो इतने अरसे से तनख्वाहें लिए जा रहे हैं, अपना काम नहीं कर रहे, उनके लिए आपने कौन सा कानून बनाया है? उनको कौन पूछेगा? उनको पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन हर चीज़ में जो है वो आवाम कसूरवार ठहराया जाता है। आवाम की गलती है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर का कचरा बाहर ना फेंकें, हम अपनी सड़कों को, अपने घर के बाहर को हम साफ़ रखें। लेकिन इदारे पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, उसके बाद सवाल उठाना उनका हक बनता है। तो कराची के कचरे या कराची के गंदगी के हवाले से हर शख्स परेशान है, कराची में रहने वाला मेरे रिपोर्टर, मैं उनको लाइन पर लूँगी और उनसे जानूँगी कि इस वक्त जो मुराद अली शाह साहब की तरफ से चीफ जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक कैंपेन चलाई है और शुरू में बड़े एक्टिव थे वो, दिन रात उन्होंने काम किया, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अभी कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। सो क्या हम अपने कैमरा, हमारे जो रिपोर्टर हैं तलहा, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम तलहा, हैं हमारे साथ लाइन पर मौजूद तलहा? हेलो हेलो तलहा, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। जी तलहा, थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो का हिस्सा बने। तलहा बहुत तकलीफ है मुझे, मेरा शहर बहुत गंदा है, इतने लोग आते हैं, चाहे विफाक साफ करे, चाहे सिंध हुकूमत साफ करे, मुझे मेरा शहर साफ चाहिए, मुझे ये गंदगी का ढेर नहीं देखना। क्या कुछ हो रहा है इस हवाले से? बात कर रहे थे कि तो कचरे पर सियासत के अलावा तो और तो कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। okay. ये शहर बदकिस्मती से जो है वो शहर में चार दफा जो है वो मुहिम शुरू की जाती है बाकायदा के शहर से कचरा साफ किया जाए। एक दफा जो है वो वजीर हमारे जो है वफाकी वजीर अली रदी साहब शुरू करते हैं, फिर जो है सिटी गवर्नमेंट शुरू करती है, बल्दी अजमा कराची, उसके बाद अब हुकूमत सिंध मैदान में है। तमाम के तमाम जो है वो सियासत चमका रहे हैं अपनी, लेकिन शहर का कचरे का बहुत बुरा हाल है। जिस गली से गुजर जाएं, जिस सड़क से गुजर जाएं, वहाँ कचरे के अंबार दिखाई देते हैं, कचरों के पहाड़ लगे हुए हैं। लेकिन इन तमाम मुहिमों के बावजूद जो है वो कचरे में तब्दील हो चुका है ये शहर। राइट अच्छा ये मुझे बताइएगा तलहा कि अब जो सीएम साहब की तरफ से, जिस तरह आपने देखा बताया कि उनकी तरफ से एक और कैंपेन शुरू की गई है, और पिछले हमने देखा कि जी मेयर भी साथ थे, और जो नासिर हुसैन शाह साहब जो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो इस वक्त बल्दिया की मिनिस्ट्री देख रहे हैं, मुराद अली शाह साहब खुद भी साथ थे, कमिश्नर भी थे, सब लोग मिलकर जो है वो सड़कों पर हमें नज़र आए कि दिन रात उन्होंने काम किया। क्या हुआ फिर, क्या उसका प्रोग्रेस? एक महीने में मुराद अली शाह साहब कहते हैं ये मेरा काम नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूँ, तो ये इतना स्लो क्यों हो गया सबका? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जीटीवी जो है वो बार बार रिपोर्ट कर रहा है, सलाम मखदूम और उसके दीगर साथी रिपोर्टर जो हमारे हैं वो बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी सीएम साहब को जो है वो आंखों में धूल झोंकी जा रही है, सीएम साहब के, वजीर बल्दियात साहब के जो है वो आंखों में धूल झोंकी जा रही है। जिस जगह पे जो है वो पिछले दिनों सीएम साहब ने विजिट किए हैं, सफाई मुहिम का आगाज किया है, कचरा उठाते हुए दिखाया गया है सीएम को कि जी यहाँ से हम कचरा उठा रहे हैं, लेकिन जैसे ही सीएम साहब वहां से मूव होते हैं, उनकी टीम वहां से मूव होती है, तो पीछे से मशीनरी भी गायब हो जाती है, वो जो है वो काम वैसे के वैसे ही वहीं रुक जाता है। और दोबारा तलहा एक मिनट के लिए मैं आपको यहाँ पे रुकूंगी, ये कौन है जो इतना मजबूत है कि वो हुकूमत के रिट को चैलेंज कर रहा है कि लोग वहां से जाते हैं और इसके बाद लोग आकर मशीनरी गायब कर देते हैं? मतलब हुकूमत के रिट को चैलेंज किया जा रहा है और हुकूमत पे सवाल उठ रहा है, तो वो क्यों नहीं एक्शन कर रहे इसके खिलाफ? जी बिल्कुल, हुकूमत के रिट को चैलेंज भी किया जा रहा है, और वजीर बल्दियात नासिर शाह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एक बार नहीं कई बार जो है वो तस्करा कर चुके हैं कि जी ये एक माफिया है जो कचरे के जो है वो कारोबार में मुलव्वज़ है, वो इस कचरे को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, इस कचरे में से अपने काम की चीजें चुनते हैं और उसको जो है वो फरोख करते हैं ओपन मार्केट में, और तमाम काम की चीजें जो है वो कलेक्ट करने के बाद उसको जो है वो कचरे को रोडों पे गलियों में फैला देते हैं, जिसकी वजह से जो है उस कचरे को उठाकर लैंडफिल साइट तक जो है वो पहुंचाने में दुश्वारी का सामना होता है। राइट राइट अच्छा मुझे एक और भी चीज़ आपसे जानी है तलहा, हमने सुना पिछले दिनों के जी जो कचरा फेंकेगा अपनी सड़क पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आम आवाम को अगेन दोबारा जो है वो उसको ही इल्ज़ाम दिया जा रहा है, और एक जो है वो केस पे रिपोर्ट हुआ इस हवाले से, कुछ इस बारे में अपडेट कीजिएगा। जी जी बिल्कुल, ये हुकूमत सिंध ने जो है वो एक कानून लागू कर दिया है कि जी जो सड़कों पे कचरा फेंकेगा उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ एफआईआर होगी, गिरफ्तारी होगी। लेकिन पहले हुकूमत ये तो बताए जी कि कचरा वो कहाँ फेंकें, क्या घरों में डंप कर लें? एग्जैक्टली, रोडों पे डस्टबिन नहीं है, कोई आपने जो है वो गार्बेज साइट जो है वो नहीं डिक्लेयर की हुई इस टाइम शहर में,
तो वो कहाँ कचरा फेंकें, कहाँ कचरा ले जाके क्या अपने घरों में सेफ कर लें कचरा, ऐसी कोई पॉलिसी बता दें कि जी आपने कचरा यहाँ फेंकना है, ऐसी कोई चीज पॉलिसी डिक्लेयर नहीं की गई, बस सिर्फ कानून जो है वो लागू कर दिए गए जी अगर आप कचरा फेंकेंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राइट, तलहा थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आप जी उठा पाकिस्तान का हिस्सा बने। और अगेन ये यही तकलीफ है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है, आवाम एक तो मुश्किल में है, सड़कें टूटी हुई हैं, कचरा है जगह जगह, कहीं पर बदबू है, कहीं पर मक्खियां हैं, कहीं पर मच्छर हैं, उसके बाद कहा जाता है कि जी आप ही ने फेंका है, हम आपको ही पकड़ेंगे क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। इस तरह का जब आपको जो है वो रवैया देखने को मिलेगा, जब आपको इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगे, लिटरली एक नाउमीदी है। लेकिन मैं अगेन हमेशा यही बात कहती हूँ कि जब भी मैं सुबह स्क्रीन पर आती हूँ तो मैं बहुत सारी पॉजिटिविटी आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये वो हकीकतें हैं, ये वो सच्चाइयाँ हैं जिनसे हम मुँह ही नहीं मोड़ सकते। प्लीज़ मैं ज़रूर चाहती हूँ कि मैं अपने शहर को, अपने घर को मैं साफ़ सुथरा रखूँ, लेकिन मुझे ये तो बता दिया जाए कि जो गारबेज है, जो मेरे घर का कचरा है, वो मुझे कहाँ फेंकना है, जो मेरे साथ इलाके में जो इतना कचरा जमा हो गया है, खाली प्लॉट्स हैं वहाँ पर ढेर लगे हुए हैं कचरे को, वो कहाँ पर जाएगा, उसको कौन उठाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं रेहान हाशमी, आपने बारहा इस हवाले से बात की जो कराची की सूरत हाल है, अब तक सूरत हाल है। सर मैं कराची आई हूँ, मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, यहाँ पली बड़ी हूँ, लेकिन मैंने इतनी बदतरीन सूरत हाल अपने शहर की कभी नहीं देखी। ये रोशनियों का शहर है, इसे रोशनियों का शहर ही रहना चाहिए था, ना अहली की वजह से, काम ना करने की वजह से आज ये शहर कचरे का शहर बन गया। देखें ये बदकिस्मती है जिस बारे में आप इंडिकेट कर रही हैं, काश के मुशर्रफ दौर में जो कानून था लोकल बॉडीज का जी। काश के वो कानून नहीं तो कम से कम उसकी मुशाबहत रखने वाला होता कानून तो चीजें बेहतर होती, जिसमें जो बुनियादी बल्दियाती इदारे हैं वो कौन कौन से हैं, कचरा उठाना यानी कि सॉलिड वेस्ट वो बुनियादी बल्दियात का काम है, वाटर एंड सीवरेज बल्दियात का काम है, या मास्टर प्लान हो, बिल्डिंग कंट्रोल हो, कराची डेवलपमेंट हो, ये सारे बुनियादी बल्दियात के काम है। लेकिन बदकिस्मती से ये तमाम के तमाम इदारे मेयर के पास नहीं है, लोकल बॉडीज के पास नहीं है, बल्कि सिंध हुकूमत ने अपने पास रखे हुए हैं, जो कि 2001 मुशर्रफ दौर के कानून से बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखें जब कानून की अमलदारी नहीं होगी, आईने पाकिस्तान का इतलाक नहीं होगा तो ये मसाइल तो आने हैं। बदकिस्मती है ये इस शहर की कि शहर से तमाम लोग सियासत तो करते हैं, कचरा सियासत कर रहे हैं, कचरे के नाम पर कोई उठाने की बात कर रहा है, कोई ठिकाने लगाने की बात कर रहा है, कोई मदद की बात कर रहा है, मगर जो कोर इशू है, जो बुनियादी मसला है, जिसका काम है वही करे। अच्छा सर एक क्वेश्चन, सर मैंने आपको सुना, आप जिस जिन इदारों का जिक्र करें मैंने वो हर चीज़ सुनी। सर आपका ताल्लुक एमक्यूएम से है, एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है ये, अगर इस जमात का मैं जिक्र करूँ कराची हवाले से जितने भी मसाइल हैं उनको आप लोगों से शायद बेहतर और कोई पार्टी अगर क्लेम करे तो डेफिनेटली आप लोग एक जैसी सोच रखते हैं इस शहर के बारे में। यकीनन मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग ये चाहते होंगे कि इस शहर को साफ किया जाए, यहाँ के लोगों के मसाइल हल किए जाएँ, लेकिन डू यू थिंक इस लेवल पर आकर जब हम प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, हम ये कहते हैं कि इतना बड़ा शहर है और हम आज टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ चुके हैं, न्यूक्लियर पावर हैं हम, उसके बाद हम ये कराची पर, कराची के कचरे पर सियासत करें, मतलब अजीब नहीं लगता आप लोगों को इस पर बात करते हुए, इस पर मीटिंग्स करते हुए कि हल करें इसको, किसी भी तरह से इसका हल होना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप, उसकी वजह यह है कि कराची की ड्राइविंग सीट यानी कि कराची की किस्मत का फैसला करने वाले लोग वो हैं जो कराची से इलेक्ट नहीं हुए। आज मेयर के इख्तियारात की बात करते हैं और मेयर से पूछी वो बात जाती है जिसका उसके पास इख्तियार ही नहीं है। मेयर से पूछा जा रहा है कचरा क्यों नहीं उठ रहा, मगर सर पे किससे पूछें, जिम्मेदारी से सर मेयर साहब से नहीं, फिर मेयर साहब से क्या सवाल करें आप बता दें, हम वो सवाल कर लेंगे मेयर साहब से, फिर क्या पूछना चाहिए उनसे। मेयर से सवाल करने के बजाय सिंध हुकूमत से सवाल किया जाए कि आर्टिकल 140A का इतलाक क्यों नहीं हो रहा, सॉलिड वेस्ट क्यों बनाया गया, सॉलिड वेस्ट सिंध हुकूमत ने अपने पास क्यों रखा, मेयर को क्यों नहीं दिया, कचरा उठाने की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत वो इदारा मेयर को दे दे, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मेयर को दे दे, मतलब जो 2001 में मुशर्रफ दौर में जो चीजें मेयर के पास थी वो मेयर को वापस मिले ना, वो क्यों नहीं दी जा रही है। मैं मतलब हम बीइंग अ प्रोफेशनल अगर ये बात करें, आप बीइंग अ एंकर, बीइंग अ होस्ट, अगर आपकी जिम्मेदारी आपके पास से माइक ले लिया जाए
तो आप प्रोग्राम कंडक्ट कैसे करेंगी? सर मैं जाऊंगी, मैं इदारे से कहूंगी कि अगर आप मुझे, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन है कि मैं आवाज़ उठाऊंगी, मेरा ये काम है, अगर वो मेरी बात नहीं मानेंगे मैं काम छोड़ के चली जाऊंगी, क्योंकि ये मेरी स्टेज का मामला है, मैं छोड़ दूंगी, मैं उस ड्यूटी को पूरा ही नहीं करूंगी। अगर आप लोग में भी इतनी, मैं सर मैं एक मॉर्निंग शो एंकर हूँ, मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि मैं झगड़ा कराऊँ या मैं ये चाहूँ कि मेरे ऊपर आकर कोई शख्स जो है उसको किसी तरह की नेगेटिविटी का सामना करना पड़े। लेकिन जब आपने मुझसे सवाल किया है और मैं अपने बात का, आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ, तो मैं भी ये सवाल करने का हक रखती हूँ कि जब आप लोगों को आपके इख्तियार नहीं दिए जा रहे तो ठीक है, आप लोग भी इतना करेज रखें कि आप लोग बोलें ठीक है हमें आवाम का सामना करना पड़े, हम ये काम नहीं कर सकते, आप किसी और से करा लें। ये एक ऑप्शन हो सकता था, लेकिन सर ये ऑप्शन है में, नहीं ऑप्शन हो सकता है लेकिन पॉलिटिक्स में जगह को वेकेंट छोड़कर रिट्रीट करना ये पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स में कंटिन्यूअस स्ट्रगल ऑब्जेक्टिव होता है और उसमें कंटिन्यू अगर हम जगह छोड़ दें, वैक्यूम क्रिएट कर दें तो वो वैक्यूम फिल होगा। इसी तरह किसी जॉब डिस्क्रिप्शन पे जहां पर डिफाइन नहीं हो जॉब और वो जगह छोड़ दें तो उसको फिल होना है अपने किसी मनमानी मनपसंद और नेपोटिज्म का शिकार पर या ग्रुप या ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी से फिल कर दिया जाएगा। सही सही ओके, नेशनल फिनोमेना है सर, पॉइंट टेकन, आपका पॉइंट क्लियर हो गया। सर एक सवाल, एक और चीज़, क्योंकि बहस हो रही है, हर चीज़ है सब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब ये बताइए कि अब हम किस तरफ जा रहे हैं और ये मसला, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं अब तक ना, और वो कराची का पैसा था जो कराची की बेहतरी के लिए, कराची की डेवलपमेंट के लिए खर्च होना था, जो कचरे पर खर्च हो रहा है। मुझे पैसा खर्च होने पर तकलीफ़ नहीं है, मुझे तकलीफ़ इस चीज़ की है कि करोड़ों रुपये खर्च हो गए उसके बावजूद रिज़ल्ट कोई नहीं आया। तो अभी क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों की, किस तरह से आप लोगों को कन्विंस करेंगे और फिर इदारे कैसे काम करेंगे? कल भी हमारी मीटिंग हुई है वजीर बल्दियात से, जिसमें सईद गनी साहब मौजूद थे और उन्होंने पुलिस के तमाम हाई ऑफिशियल्स को भी बुलाया हुआ था, जिसमें पुलिस के साथ एंगेज किया है। माजी में जो लोकल बॉडीज थी और दुनिया के किसी भी लोकल बॉडीज में म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट हुआ करते हैं, और हम बीइंग अ पाकिस्तानी हम शायद बहुत बेहतर कौम है, जबकि बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्कों में म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट होता है जो वॉयलेशन करने के ऊपर चार्ज करता है, वो कचरा फेंकने वाले, कचरा जलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, इन्फोर्समेंट की जाती है। कल ये भी बात हुई कि पुलिस को इंगेज तो किया है सिंध गवर्नमेंट ने, लेकिन म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट की तैनाती क्यों नहीं की? म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट तैनात हो ताकि चीजें बेहतर हो, फिर कचरा कुंटियों को मख्स किया जाए। देखिए दुनिया के तमाम ममालिक में, कराची भी मेगा सिटी है, गार्बेज जनरेट होता है, इसकी लिफ्टिंग से लेकर डिस्पोजल तक के साइकिल को मुआवजा बनाया जाए, फिर सेग्रीगेशन होती है। आपने देखा होगा जगह जगह पर सड़क पर कचरे को बिखेर कर उसमें से चुना जाता है ना, वो सेग्रीगेशन हो रही होती है जिसकी वजह से और मैस क्रिएट हो रहा होता है, उनको किसी जगह से एलोकेट करने की बात हो रही है। कराची में जिस तरह गुंजान आबादी हो गई है तो वहां पर कम अज कम जदीद खतूत के ऊपर कवर्ड किस्म के GTS बनाने की बात हो रही है, और हमने तो रिक्वेस्ट ये की सिंध गवर्नमेंट से, देखें तमाम तर इख्तलाफ एक तरफ, हमारे नजरियाती पॉलिसी इख्तलाफ एक तरफ, लेकिन अगर आप काम करना चाहते हैं तो इन सर पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन दोनों ने भी कैंपेन्स चलाई, उन्होंने भी कहा कि जी अब हम आएंगे, हम आकर काम शुरू करेंगे, हम कराची को ओन करेंगे, हम कराची का कचरा साफ करेंगे। क्या हुआ कैंपेन्स का रिजल्ट, क्या हुआ? देखें जब तक कि आप लोकल स्टेक होल्डर्स को एंगेज नहीं करेंगे, जब तक के रूट लेवल के ऊपर जाकर आप चीजों को पिन पॉइंट नहीं करेंगे, उस वक्त तक चीजें बेहतर नहीं, पॉइंट स्कोरिंग थोड़ी करनी है, तस्वीरें थोड़ी खिंचवानी है। यहाँ पर आम आदमी तो सफर कर रहा है कचरे में, तो बेहतर यह है कि इस पॉलिसी को मजबूत पॉलिसी बनाकर इंप्लीमेंट किया जाए। मशीनरीज की जरूरत है, आपने चाइनीज कंपनी को दे दिया, चाइनीज कंपनी ज्यादा पाकिस्तानियों से अच्छा काम करेंगी? नहीं जनाब, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की जरूरत है, मशीनरीज की जरूरत है, मशीनरी देते हैं, कुछ दें और फिर सवाल करें, फिर मॉनिटरिंग करें, सख्त मॉनिटरिंग करें, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा। बदकिस्मती से मुझे बोलना पड़ रहा है कि इसके ऊपर सियासत हो रही है और कराची की दादरसी के लिए कोई तैयार नहीं है। जो कोर इशू है, जो बुनियादी मसला है, उसको एड्रेस करने के बजाय आगे चार स्टेप आगे की बात की जा रही है। बुनियादी मसला यह है कि मशीनरीज की जरूरत है, मशीनरी दे रहे नहीं दे रहे, लेकिन पैसा खर्च किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं कचरा उठाने के ऊपर। कचरा उठाने से बेहतर यह कि मशीनरीज की जरूरत है, GTS कचरा कुंडियों को कवर करने की जरूरत है, नहीं किया जा रहा। एक 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 चीज सर, मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहती ये लफ्ज के कोई ये कहे कि ये लावारिस शहर है। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं ये जुमला सुनती हूँ अपने शहर के लिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये शहर जो है कमा के दे रहा है, जिनको इसने अपनी पनाह में लिया हुआ,
हुआ है, उसके बावजूद जब इस तरह की बातें हम सुनते हैं, स्टेक होल्डर जिस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि हमें दादरसी हमारी कौन करेगा, तो सर ये बुरी सी बात नहीं है? यह हकीकत बात है, हकीकत अक्सर बुरा होता है, क्योंकि जब कराची का नौजवान कोटा सिस्टम की जद में आकर जॉब से महरूम होता है, जब कराची को एनएफसी के बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के मद में कराची कमा के देता है 100 रुपया, मिलता है उसको 58, तो जब मैं बात बुलंद करूंगा तो बुरा तो लगेगा लोगों को, लेकिन मैं मुझे करना है, ये बात बोलनी है, चाहे वो जॉब एलोकेशन का मामला हो, चाहे वो गार्बेज लिफ्टिंग का मामला हो, चाहे वो लोकल बॉडीज का मामला हो, चाहे यहाँ पर जो पोल्यूशन हो रही है उसका मामला हो, चाहे सजगकारी मुहिम का मामला हो, मुझे तो बोलना है लोगों को बुरा लगे। हाँ हकीकत है, हकीकत तर्क होती है, लेकिन अगर हम खामोश रहेंगे तो कौन बोलेगा? जरा मुझे बताएं, पॉलिटिकल एरिना पे, नेशनल असेंबली में या प्रोविंशियल असेंबली में कौन बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहे? जो नहीं बोल रहे और जो स्टेक होल्डर बनते हैं उनको चाहिए कि कराची के कोर इशू को डिस्कस करें। कराची में यूनिवर्सिटी की बात क्यों नहीं की जा रही, कराची में कैडेट कॉलेज की बात क्यों नहीं की जा रही, डीलिमिटेशन और दोबारा उसके बारे में क्यों नहीं बात की जा रही? सर वेरी वैलिड पॉइंट, आई एग्री विद यू। मैं जब रोज सुबह आती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरूं और किसी दिन मैं ये कहूँ कि वाओ इतने तरक्याती काम हो रहे हैं शहर पर, शहर की सड़कों पर बेहतरीन जो है वो ट्रांसपोर्ट बसेस सर्विस मुहैया है लोगों को, कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज का क्याम हो रहा है, टेक्नोलॉजी सेंटर्स का काम हो रहा है। मैं ख्वाहिश रखती हूँ कि किसी दिन मैं सुबह अपने शो पर इस तरह की मस्बत खबर अपने शहर और अपने मुल्क के हवाले से लोगों को सुनाऊं, लेकिन बदकिस्मती से आई डोंट नो कि ये ख्वाब कब पूरा हो सकेगा मेरा। मुझसे जो आप बात कर रही हैं वो हर कराची आइट की ख्वाहिश है जी, कि अलग सुबह वो ट्रैफिक में फंसे ना और बेहंगम अंदाज में 20 सड़क पर पार्क की जाने वाली पैसेंजरों को पिक करने वाली उतारने वाली बसें 20 सड़क के बजाय बस स्टॉप पे पार्क हो, सिग्नल की वॉल्यूशन ना हो, सड़क बेहतर हो और कहीं पर लड़ाई ना हो रहा हो। हर कराची की ख्वाहिश है, हम तमाम लोगों की यही ख्वाहिश है कि जो शहर पूरे मुल्क को चला रहा है उसका इतना तो हक बनता है, तो हम अमूमी तौर पर यह कर रहे होते हैं कि जो माइक्रो लेवल पे बहुत ही मामूली नौयत की चीजें भी अगर सही कर रहे हैं, कराची को आज बदकिस्मती से जो पहचाना जा रहा है वो किसी और लफ्जों में पहचानते हैं लोग, लोग मजाक उड़ा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, जबकि कराची से बेहतरीन प्रोफेशनल, बेहतरीन लोग, बेहतरीन जो ब्रेन है वो इमर्ज होकर आया है, जिससे पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है दुनिया भर में। तो कराची वाले ऐसा नहीं है, देखिए ये मसाइल तो है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कराची बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहा है जो कि ऐसे नामसाल हालात में कर रहा है। अर्बन फॉरेस्ट के लिए फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट फंड मकसद कर दिया है, लेकिन अर्बन फॉरेस्ट कराची में मुख्तलिफ जगहों पर बगैर पैसे के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिविल सोसाइटी की मदद से बनाया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो हमारे साथ ही मिलकर बहुत सारी चीजें बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो माइक्रो लेवल पे मोहल्ला घूमने इमरजेंसी वहां पर मोहल्ले ने ओन कर लिया है शहर के कुछ हिस्सों को, तो ऐसी अच्छी चीजें भी तो हो रही है काफी में, लेकिन हाँ उसका लेवल सर अगर आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों के इन कामों पर हम आपको अप्रिशिएट करें तो डेफिनेटली हम अप्रिशिएट करेंगे, आवाम को इससे फायदा पहुंचेगा। लेकिन देखिए सर ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है ना कि साफ पानी और एक अच्छा माहौल, एक बेहतर जिंदगी, ये उस शहर में रहने वाले लोगों को प्रोवाइड किया जाए, तो बेसिक्स जो हैं वो एजेंडा है हमारा कि जो हमारे बेसिक्स हैं कि हम सड़क पर निकलें, टूटी हुई सड़क ना हो, कचरा साफ हो, एक अच्छा माहौल आपको मिल सके। सर अभी एक कानून पास किया गया कि जो कोई भी शख्स जो है वो कचरा बाहर फेंकेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और NIN के एक शख्स को पकड़ा भी गया है और उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जा रही है। इदारों ने अपना काम नहीं किया, सड़कों से कचरा उठाया नहीं गया, बदतरीन सूरत हाल है। मैं अभी पिक्चर्स देख रही हूँ अपने शहर की, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे दुख हो रहा है, और उस पर आप कह रहे हैं कि हम शहरियों को बंद करेंगे। मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह रही कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यकीनन जो गलत करे, शहर को गंदा करे, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पहले अपना काम तो कर लें। ये बात आपकी दुरुस्त है कि जहां पर अनडेजिग्नेटेड जगहों पर लोग आदतन कचरा फेंक रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने आपको इसलिए बताया पहले कि म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट वो होते हैं तमाम जगहों पर, दुनिया के हर मुल्क में तकरीबन और कॉमनवेल्थ मामले में ज्यादातर म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट हैं, जो कि म्युनिसिपल वॉल्यूशन के ऊपर, चाहे वो सड़क पर पानी बहाना हो, चाहे सड़क के ऊपर गाड़ी धो रहे हो, चाहे वो कचरा अनडेजिग्नेटेड जगहों पर फेंक रहे हो, इन तमाम चीजों की वॉल्यूशन के ऊपर म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट एक जुर्माना आयद करता है जी। और बदकिस्मती से यहाँ पर म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट नहीं है, जो मैं कवानीन की अमलदारी की बात कर रहा हूँ वो यही है कि यहाँ पर नहीं है म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट। 2001 के कानून मुशर्रफ दौर में था तो बेहतर था, अच्छा इसका मतलब पता ही नहीं है कि तमाम लोगों को डंडे से हाथ हटाने की जरूरत है, नहीं ऐसा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन
قوانین کے اطلاق کے لیے ضروری ہے کہ انفورسمنٹ ہو, انفورسمنٹ ہوتی ہے تادیب کے ذریعے, اور یہ تادیبی قانون, جبکہ مجھ کو تھوڑا اختلاف ہے کہ 144 سیکشن لگا کر یہ کیا گیا ہے, 144 سیکشن کی ضرورت نہیں تھی, اس میں سمپل میونسپل مجسٹریٹ تعینات کیا جاتا, جس کے بارے میں ہم متواتر کہتے آ رہے ہیں. پھر دوسرا یہ عوام کا کیا قصور, عوام کو جب تک کچرا کنڈیاں بنا نہیں دیں گے آپ, کوئی جگہ مخص نہیں کریں گے, کیونکہ اس میٹنگ میں جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں پرسوں جو ہوئی ہے, اس میں ہم نے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ جناب پینلنگ کر دیں, اویئرنیس کریں, اس کے بعد تادیب کریں. تادیب پہلے مرحلے میں کرنا مناسب نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہفتے بھر کی کمپین چلائیں اویئرنیس کی کہ جناب ان جگہوں پر فرض کریں کہ کسی ایک یو سی میں 8 جگہوں پر کچرا انڈیزگنیٹڈ آتا ہے. رائٹ سر, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. میں آپ کو انوائٹ کروں گی, پلیز آپ میرے سیٹ پر آئیے, کسی دن ہم یہاں بیٹھ کر کراچی کو ڈسکس کریں گے, اور میں آپ کو انوائٹ کرتی ہوں آن ایئر. اینڈ تھینک یو آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ ڈسکس کیا اور کراچی کے مسائل پر جو ہے وہ آپ نے بات کی. بٹ اگین جو لوگ ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں, جو مجھ جیسے عام لوگ ہیں, ہم بھی تھوڑا حال کریں اپنے شہر کا, ہم بھی تھوڑا احساس کریں, جو ہے وہ تو ہے, مزید جو ہے وہ ہم اپنے شہر کو کیسے اس گندگی سے, اس غلاظت سے بچا سکتے ہیں, اس میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے. ایک بریک ہم لیں گے اور انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے. جی اٹھا پاکستان, ون سیکنڈ, ویلکم بیک. جی اٹھا پاکستان میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بھائی گڈ مارننگ, منڈے کا دن ہے, سو کچھ خاص اور کچھ مزیدار آج ہم آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ایک ایسی پرسنالٹی جو بہت عرصے سے پروفیشنلی سرو کر رہی ہیں لوگوں کے لیے, یہ میچ میکر ہیں, اور یقیناً ایک نام ضرور فلش ہوا ہوگا آپ لوگوں کے ذہنوں پہ, بیکاز آج کل سوشل میڈیا پر بہت ہٹ ہیں. یہ پروفیشنلی تو بہت عرصے سے کام کری ہیں, اور ماشاء اللہ سے ایجوکیشن کی فیلڈ میں بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے, ایجوکیشنسٹ بھی رہی ہیں, اور اب جو ہیں رشتے جوڑتی ہیں, لوگوں کو ملاتی ہیں. کچھ تھوڑا سا لوگ ناراض بھی رہے ان سے, سو وہ بھی ان سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ویری ویل نون پرسنالٹی مسز خان, السلام علیکم. میں گڈ مارننگ. السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. طبیعت ٹھیک ہے ابھی آپ کی؟ میں نے سنا تھا آپ تھوڑے اپ سیٹ تھیں, آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے. بلڈ پریشر تو میرا عموماً تھوڑی سی کوئی بات ہو یا ویسے بھی نا ہائی رہتا ہے. اوکے, ابھی ٹھیک ہے, بہتر ہے؟ ہاں چلے شکر الحمد للہ. رائٹ, ایک اور بہت ہی خوبصورت سا چہرہ آپ دیکھیں گے تو آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا اور دن بھی بہت اچھا گزرے گا. ماشاء اللہ سے انڈسٹری میں آئیں, سمجھا دیکھا اور اس کے بعد جو ہے بہترین کام کیا, اور یہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ بہت کم عرصے میں, بیکاز ہر پروفیشن کی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کو جاننا سمجھنا, اور پھر اپنے اسٹینڈرڈس پر رہتے ہوئے کام کرنا. تو ان کے کریڈٹ پر یہ ساری چیزیں ہیں کہ بہت جلدی انہوں نے ماشاء اللہ سے فیم کی بلندیوں کو چھوا ہے, ایکٹنگ بھی کی, بہترین ماڈل بھی رہیں, ریمپ پہ بھی ماڈلنگ کی انہوں نے, اسٹل بھی آپ نے ان کے فوٹو شوٹس دیکھے, اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے پروگرامس میں آپ نے ان کو ہوسٹ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے, اور ماشاء اللہ سے اور بہت ساری چیزیں ہیں. سوشل میڈیا پر یہ بھی بہت ایکٹیو ہیں, بہت سارے ان کے فینس بھی ہیں, فالوورس بھی ہیں. سو ویلکم کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں حنا ملک. السلام علیکم. میں نے ویری گڈ مارننگ. وعلیکم السلام اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو اینڈ تھینک یو سو مچ. اتنا مزے کا انٹرو میں خود ہی سن رہی تھی کہ میرے بارے میں بات کر رہی ہے. آئی تھنک ہم لوگوں کو کریڈٹ نہیں دیتے, یہ بہت بری بات ہے. سو جو بھی بہتر کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. یو آر فرام لاہور؟ یا آئی ایم فرام بیسیکلی سعودیا. لیکن میرے پیرنٹس جو ہیں وہ دونوں اسلام آباد سے ہیں, تو ہم سیٹلڈ جو ہیں ابھی لاہور میں. اوکے, تو آپ کراچی مہمان ہیں؟ کراچی میں مہمان نہیں, کراچی لائک اٹس مائی سیکنڈ ہوم. میں جب بھی آتی ہوں بہت مجھے مزہ آتا ہے, اور سب لوگ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں اپنے دوسرے گھر میں آ گئی ہوں. اور اب تو مجھے ہے کہ میں یہاں پہ اسٹے بھی کروں گی, کچھ میری چیزیں لائن اپ ہو رہی ہیں ان کے لیے, تو میں ایسا نہیں کہہ سکتی کہ میں مہمان ہوں. جان چھوڑنے والی آپ لوگ کرتا رہتا ہے نا, جہاں جہاں کام ہوگا وہاں وہاں پر آرٹسٹ جو ہے وہ جائے گا اور جا کر کام کرے گا. مہمان بالکل نہیں, جانے والی نہیں. Yes. Okay. Mrs. Khan, ایک تو مل گئی بندی ہمیں, سنگل ہے, ٹھیک ہے. کیسا لڑکا, کیسا پوچھ لیں, لڑکی سے اجازت ہے آپ کی؟ پوچھنا چاہیے. اچھا پہلے ہم یہ پوچھ لیتے ہیں کہ پہلے اس کی اپنی مرضی ہونی چاہیے. ہاں اچھا, آپ کیا پڑھا ہوا ہے یہ سب بھی پوچھنا ہوتا ہے لڑکی سے؟
ये तो सबसे पहले पूछ सकता हूँ सूरत के बाद क्या पढ़ा हुआ, कहाँ से पढ़ा हुआ है, कहाँ से पढ़ा हुआ है? सऊदीया से पढ़ा है, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, रिश्ते जोड़ी सवाब मिलता है इसका बहुत। और मुझे वैसे थैंक यू सो मच, मेरा रिश्ता मेरी अम्मा ने जोड़ दिया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया हमारा सुबह सुबह का। अगर नहीं जोड़ा होता तो मैं जरूर आपको बताती, क्योंकि आपसे ज्यादा मुझे लगता नहीं कोई बेटर और होगा रिश्ता जोड़ने के लिए। चलिए ये तो अजराहे मजाक बात रही है। मिसेस खान, एक दो चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगी हम थोड़ा सा डिस्कस करें, फिर हम आगे बढ़ें। मैं आपको एक एक वो शेयर करूँ आपसे, एक बात मेरे अपने घर की बात है। मैंने हमेशा देखा अपनी अम्मा को कि वो उन्होंने हमेशा पापा को गरम रोटी पका के दी। ये जो तवा चढ़ा हुआ है, गरम रोटी होनी चाहिए, इस पर लोगों ने बहुत बात की। मैंने अपने घर में ये प्रैक्टिस देखी अपनी मम्मा को करते हुए। खाना पका हुआ है टाइम पर, बच्चों का ख्याल रखने, डोमेस्टिक हेल्पर मौजूद है, बच्चों का ख्याल करने के लिए मेट भी है, लेकिन रोटी मैं खुद पकाऊँगी और घर के लिए खाना भी मैं खुद पकाऊँगी। बट वो वर्किंग लेडी नहीं थी, उन्होंने वो हाउस वाइफ थी, तो वो ये सब चीज़ें कर पा रही थी। लेकिन मिसेस खान, अगर मैं आज अपनी बात करूँ, मैं शो पर खाना पका लेती हूँ, ठीक है, और मैं जब घर जाती हूँ, जिस दिन मुझे ऑफ मिलता है उस दिन मैं काम कर लेती हूँ, लेकिन मैं अपने प्रोफेशन के साथ मैं हर रोज़ गरम तवे की रोटी नहीं खिला सकती, नहीं खिला तो क्या मैं ठीक नहीं हूँ? हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक हो। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होगा, आप बाजार से मंगा लें या मेड बना लें। ये थोड़ी क्या उस दिन तो आपने ऐसा नहीं कहा था, उस दिन तो आपने कहा था गरम तवा चढ़ा होना चाहिए, गरम रोटी मिलनी चाहिए। ये था कि हमने ये चीजें देखी हुई अपनी मदर्स को करते हुए, फिर हमने भी किया है, हमने तो अपने प्रोफेशन के साथ भी किया है। राइट, तो आपको लगता है कि अब जो है थोड़ा सा ज़माना चेंज हो गया है, तो अब लड़कियां जो हैं अब वो प्रोफेशनली भी अपने आप मैनेज कर रही हैं, तो घर को कहीं ना कहीं बनिस्बत इसके कि आप ये नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखिए अब आपके पास अगर सुबह से शाम तक की जॉब है, यू आर अ बैंकर और यू आर एन आर्टिस्ट, यू कांट गो होम एंड मेक रोटीज, इट्स नॉट नेसेसरी। अगर आप पका रहे हैं तो ठीक है, नहीं पका रहे हैं तो इट्स ओके, इट्स अप टू यू। आप बर्गर मंगा कर दे दें, आप चाइनीज मंगा लें, आप जो कुछ मंगा लें, वो इट्स अप टू यू, कैन गो आउट एंड हैव डिनर। अच्छा, तो वो उस दिन जो आपने बोला था वो फिर नहीं। देखिए एक बात ये है कि अब खामखा इफ़ यू हैव समथिंग गुड एट होम एंड यू कैन कुक एट होम और आप दे सकते हैं अपने बच्चों को घर का खाना, तो व्हाई शुड यू आस्क फॉर बर्गर्स एंड डेली वो अपना पिज़्ज़ास एंड ऑल, और अच्छा लगेगा आप अपने हस्बैंड को बर्गर और एक बॉटल ऑफ ड्रिंक से उसको डिनर कराएं, या पिज़्ज़ा रखा हो और उसे कहें चलो आओ खा लो, या आप रोल्स मंगा लें बोलो चलो आओ खा लो। प्रॉपर डिश ना हो, प्रॉपर चावल रखा हो, सैलड रखा हुआ हो, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, और रोटी एक दो पड़ी हुई हो वो अच्छा लगेगा। ये पिज्जा वगैरह दिल का रास्ता है वो तो गुजरता ही मैदे से, ऐसा ही है ना, ये ठीक है। लेकिन अब इट डिपेंड्स कि अब आपकी आपकी वर्क रूटीन किस तरह की है ना, आप कुछ कह रही थी इस बारे में। हाँ मैं ऐसे मतलब इन्होंने शायद अपना एक्सपीरियंस तब आप लोगों के वक्तों में ऐसा होता होगा, लेकिन जब हम बात करते हैं कि लड़का और लड़की एक हैं और हम हर जगह भी बात करते हैं कि नहीं जी आप समटाइम क्यू में लगे होते हैं, तो लड़कियां आगे खड़ी हो जाती हैं कि नहीं मैं तो लड़की हूँ मुझे आगे जाने दो, तो फिर हम क्यों बात करते हैं कि हम इक्वल हैं, हम इक्वल हैं, हम इक्वल हैं, हम क्यों कहते हैं इस तरह की चीज़ें? और वेल दोनों को मुझे लगता है कि साथ में काम हर चीज़, अगर हम घर का किचन साथ में शेयर कर रहे हैं, लड़की भी कमा कर लेकर आ रही है किचन में कुछ, लड़का भी लेकर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि दोनों को साथ में काम करने चाहिए। अगर लड़की पोछा लगा रही है तो लड़के को चाहिए डस्टिंग करे, मेरे कि इक्वल है तो मतलब सारी चीजें साथ में शेयर करनी चाहिए ना, ऐसे नहीं क्या? अच्छा ये हमारे यहाँ पर हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हमें हमारे यहाँ लड़कियों को इस तरह की तरबियत दी जाती है और बहुत अच्छी बात है, ये हमारी सोसाइटी की नीड है जो बन चुकी है कि एक रिलेशनशिप में जब आप जाते हैं वो जो डॉक्यूमेंट है जिसे निकाह नामा कहा जाता है, जो दो लोगों को जोड़ता है और उसकी बहुत तासीर है, वो लोगों के दिलों को तब्दील कर देता है, ऐसा ही है ना मिसेस खान? लेकिन उसमें तो कहीं नहीं लिखा होता कि तुमने ये करना है, वो तो अखलाकी तौर पर ये सारी चीजें कर रही होती है, तो सामने वाले को भी तो अखलाक का मुजाहरा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मदर्स, आई एम अ मदर इन लॉ, देखो मैं, मेरी क्या बहू नहीं है। अब अल्लाह ताला ने ये कहा है कि तुम अगर अलग रहना चाहो तो रहो, तो उसने अपना बड़ा अच्छा खूबसूरत और बड़ा साफ सुथरा घर बनाया, वो मेरी सास पर गई है, वो तो बहुत हार्ड वर्किंग होती थी और वो तो बहुत तरीके से चलने वाली, जो किचन्स को रखने वाली अच्छी तरह,
तो वो उस तरह की होती थी. मैं ज़रा वर्किंग वमेन थी तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता था दोपहर को. बट स्टिल आई वुड कम. मुझे लगता है उस दिन आपने कहीं का गुस्सा कहीं और नहीं 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 आई वुड कम एंड हेल्प हर इन द किचन व्हेन आई यूज्ड टू कम इन द आफ्टरनूनस आल्सो. और रात को भी आई वाज देयर. और उस जमाने में क्या होता था कि आपका बारबेक्यू में आप लोग वो ये सदर की तरफ कहाँ उधर चले जाते थे अलहमरा. नो अलहमरा एंड बुंदू खान था. ए बी सी था. टुंगनैन वगैरह थे. चार पांच के वो चाइनीज के थे. इतने हमारे पास उस जमाने इतनी रेंज में नहीं थी. आज आज हर चीज चेंज हो गई. वैसे मैं अच्छी बात से सेकंड कर रहा हूँ कि आपने बिल्कुल सही बात की कि लोगों के माइंड सेट है कि लड़का बाहर कमाने जाता है तो वो जब वापस आएगा ना तो अगर बच्चा रो रहा होगा ना तो वो अपनी बीवी को ही कहेगा कि दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उठो और जाओ, इसको सुलह कराओ, मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है. वो लड़की भी काम पर जा रही है. मतलब कि लोगों के माइंड सेट ही इस तरह के. ये बात हमें हमारी माओ को कहनी चाहिए कि आप अपने बच्चों की इस तरह तरबियत करें, अच्छी तरबियत करें कि अगर वो जिस तरह हम अपनी बहन की रिस्पेक्ट करते हैं घर में, अपनी माँ की करते हैं. हम माँ को तो नहीं कहते ना उठ के जितने हुए थके हुए आते हैं कि ये हो गया वो अच्छा, हो गया. I was very lucky. मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चों के साथ मुझे बहुत हेल्प किया. although I had a maid, but अगर बच्चा रोता था वो ज्यादा घबरा जाता था कि मेरा बच्चा क्यों रोया और क्या मुझसे ज्यादा. बिल्कुल. तो he was really more careful. ये देखिए अभी हिना बात करिए, दिस इज वेरी राइट के माए जब अपने बेटे हैं जिस तरह बेटियों को कहती है नहीं थोड़ा थोड़ा काम शुरू करो, साथ अगले घर जाओगी तो तुम्हें काम करना होगा. वेरी ट्रू. लड़कियां जब ये कहें ना कि मुझे काम करना नहीं आता या खाना नहीं बनाना होता तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनैलिटी थोड़ी इनकम्प्लीट सी है. आपको ये चीज़ें आनी चाहिए ताकि अगर वक्त पड़े तो आप काम कर सकें. इसी तरह लड़कों को भी माओं को चाहिए क्योंकि पहली तरबियत गाज होती है वो बच्चों की, वो माँ होती है. तो माँ बेटे से कहे कि बेटा खाना खा लिया, आप प्लेट्स टेबल से जो है वो किचन में रख दें, मैं वॉश करने की बात नहीं कर रही, हेल्पिंग हैंड की बात कर रही हूं. थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी वैसे करो जैसे आप अपनी सिस्टर की रिस्पेक्ट करते हो. अगर कोई आपकी जिंदगी में जुड़कर आता है तो उसको भी अपनी बेटी समझो. उसको अगर आप अपनी अम्मा की रिस्पेक्ट कर सकते हो तो आप अपनी वाइफ की भी वैसी रिस्पेक्ट करो कि बीबी तुम मेरी वजह से आई हुई हो घर पे तो तुम मेरी इज्जत हो. मतलब कि अगर आपके हस्बैंड जो आप जिसके लिए आप आए हो अगर वही आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता फिर क्या फायदा है ऐसी जगह पे जाने का. सो हिना जो है वो डोमेस्टिक वर्क और किचन खाना बनाना मुझे सब कुछ चाहता है अल्हम्दुलिल्लाह. मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगी कि ये भाई लड़कियां कहती कि मुझे तो चाय नहीं बनानी आती, मुझे तो रोटी नहीं बनानी आती, मुझे तो ये नहीं करना. मुझे सब कुछ आता है. मेरी अम्मा ने मुझे सब कुछ सिखाया. सबसे पहले ये सिखाया, उसके बाद उन्होंने कहा अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, उसके बाद तुम जो मर्जी करना है करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेसिक चीजें होती है. हम तो इसमें है ना कि गर्ल्स शुड गेट एजुकेशन, दे कैन वर्क, दे कैन पुट ऑन मेकअप, व्हाटएवर दे वांट टू. हम अपने जमाने के अब आप देखिए कितनी स्टाइलिश है, इतनी सारी रिंग्स और मेरा तो बचपन से बेटा ये शौक रहा है. मैं बचपन से आई वाज लाइक दैट. आपकी मम्मा आपको डांटती नहीं थी कि इतनी छोटी सी उम्र में इतने जो है वो हमारे मेकअप के पास ही नहीं जा रहे. देखिए एक बात बताऊं, हमारे यहाँ तो उस वक्त बचपन में इतना सस्ता सोना होता था कि हम लोग ब्रेसलेट्स और चेन्स वगैरह हम लोग के सोने के होते थे. अब हमने जरा डर के उतार दिया. अब कुछ मेरी अम्मा की रिंग्स हैं, कुछ मेरी रिंग्स हैं, वो आर्टिफिशियल और डायमंड्स. वो दोनों मिक्स्ड है, आर्टिफिशियल और डायमंड्स. राइट. अच्छा है ना ये बताओ कि मॉडलिंग और करियर बाकी है तो देखिए ये इम्पोर्टेंट चीज है जो घरेलू मसाइल डिस्कस हो रहे होते हैं. सो अब कितना अर्सा हो गया करियर में स्टार्ट किए? मुझे 3.5 years. ओके. और मैं जब सऊदीया से वापस आई तो मुझे फैशन डिजाइनिंग ही करना था. okay. और फैशन डिजाइनिंग में पढ़ने भी बाहर गई मैंने किया. जब मैं वापस आई मेरा अपना ब्रांड भी है तो वेरी गुड जी अल्हम्दुलिल्लाह. बाय द नेम ऑफ इरम उस्मा बाय. आप एंडोर्स तो नहीं करते? नहीं आप बिल्कुल बताइए आपका ब्रांड है. इरम उस्मा बाय हिना मलिक ना. ओके. तो मैंने वो स्टार्ट किया पर मेरा इंटरेस्ट नहीं मतलब बढ़ रहा था कि मैं क्या मतलब करूँ ये वो. तो सब जितने भी बाबा जान उसमें पैसे डाल रहे थे मैं वेस्ट ही कर रही थी. उन्होंने कहा तुम करना क्या चाहती हो, मेरा बच्चा तो क्या करना चाहता है. मेरे का बाबा जान इस तरह के लाइक अच्छा ना हम इसको कंटिन्यू करेंगे, कॉलर शामिल कर लेते हैं बिकॉज कॉलर को इंतजार नहीं कराना. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन है हमारे साथ? लाहौर से बात कर रही हूँ. मिसेज रमजान कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का. हाँ जी क्या कहना है आपको? कहना यही है कि ये भी मिसेज खान जो है वो बड़ी अच्छी बातें करती हैं, वो जिस भी चैनल पे बैठी हूँ. मगर मगर ये अभी जो आप बातें कर रहे हैं, मैं खुद 20 साल मेरी शादी को हो गए हैं तकरीबन 25-26 साल जी. तो ये बातें कर रही हैं कि लड़की ने ये करना हो लड़की ने वो करना हो जो हमारी माँ और दादियों ने ये सारा कुछ किया है
मुझे अभी जो दो चार जमातें पढ़ के ये लड़के को ये करना चाहिए, वो सफाई करनी चाहिए, वो फलां करनी चाहिए, आप बैठ के फलां को रोटी नहीं पकानी चाहिए, वो उसको ये करना चाहिए, फलां करना चाहिए, ये क्या मसले? आप लोगों ने तो लोगों को बैठ के जहाँ आप अपनी जॉब के सिलसिले में आते और ये करना चाहिए लड़कियाँ हाथ में. अच्छा ओके, जहाँ तक मैं आपकी बात समझी, लेट मी क्लियर यू, शायद आप हमारी पूरी बात नहीं सुन सकी, ठीक है. हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि हर लड़की को हर काम आना चाहिए, लेकिन वो वक्त जो था ना, उस वक्त घर का एक शख्स कमाता था और घर में 10 लोग बैठकर खाया करते थे. आज वो वक्त नहीं है. आज एक औरत को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर चलाने के लिए अपने मर्द के साथ बाहर निकलना पड़ता है, काम करना पड़ता है, ताकि बच्चों को एक बेहतर जो है वो फ्यूचर मिल सके. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ बैठी हुई उन बच्चियों को प्रमोट कर रही हूँ जो काम नहीं करी, तो शायद आप मेरी पूरी बात नहीं सुन सकी. मैंने पहले अपनी माँ की मिसाल दी कि मैंने अपनी माँ को ये सब करते हुए देखा है. मैं खुद यहाँ शो पर किचन में खाना पकाती हूँ लोगों को ये बताने के लिए कि हम सिर्फ स्क्रीन पर नहीं आते, हम काम भी कर सकते हैं. तो आई एम रियली सॉरी, किसी के लिए भी पर्सनल होना या ये कहना कि आप इस तरह की बात करें ये मुनासिब नहीं होता. पहले बात सुन लिया कीजिए, उसके बाद रिएक्ट किया कीजिए. एंड अगेन, जो चीज़ हम डिस्कस करें उसको ज़रूर समझिएगा. मिसेस खान, एक और बात, जहाँ इन्होंने बात की कि मैंने ये भी जुमला सुना, मुझे बहुत दुख हुआ, आप मेरी बड़ी हैं, आई रिस्पेक्ट यू अलॉट, आपने कहा अगर ये काम नहीं आता तो हक ही नहीं है उसको घर पे रहने का. नहीं, आउट ऑफ इट. देखो ना, उस वक्त बात समझ नहीं आई कि अगर आदमी भी नहीं कमा रहा, औरत को नहीं सपोर्ट कर रहा, बच्चों को नहीं सपोर्ट कर रहा, मर्द भी, तो ही शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन. इफ यू आर नॉट केपेबल, देखो मेरा मकसद क्या था, इफ यू आर नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर हाउस एंड योर चिल्ड्रन, देन वॉट इज द पॉइंट ऑफ गेटिंग मैरिड. माई पॉइंट वॉज कि भी इफ यू आर नॉट केपेबल ऑफ ऑल दिस देन यू शुड नॉट गेट मैरिड. अगर मर्द कमा नहीं सकता, अपनी फैमिली को नहीं चलाएगा, तो कैसे शादी करेगा? अगर औरत घर का काम नहीं करेगी और घर को देखेगी नहीं, वेदर शी इज अ वर्किंग वुमेन और नॉट, शी हैज टू मैनेज द हाउस, शी इज द मैनेजर ऑफ द हाउस, एंड द मैन जैसे हेड ऑफ द स्टेट होता है, ही इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड शी इज अ मैनेजर ओवर देयर. शी मैनेजेस एवरीथिंग, शी मैनेजेस टाइम, शी मैनेजेस एवरीथिंग, शी इज द मैनेजर. यू आर वेरी राइट, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट. It's your responsibility. You have to own it, and then आप उसको जो है वो करें, है ना? I think कि जो working ladies होती हैं, वो ज़्यादा अच्छी manage कर पाती हैं. Time management में वो extra होती हैं, because they know कि limited time है. Yes. Because I knew I had limited time. I have remained a working woman, and I used to मैं अपने आपको पता उस वक्त electric machine भी थी मेरे पास, सारा कुछ. मेरे बच्चे सोते थे, मैं 2 घंटे में अपने उस जमाने में कुर्ते बड़े पहने जाते थे, कलियां काट के फटाफट मैं अपनी कलियां जोड़ के सिलाइयां करते थे, कढ़ाइयां करते थे. मैं लाई हूं आज अपनी कढ़ाइयां भी जो मैं बचपन में किया करती थी. वो हम ब्रेक के बाद दिखाएंगे. लेकिन वो पता है अब वो पेटियों में पड़ी हुई, उस पर वो पेटियों के जंगदार जरा से दाग भी पड़ रहे हैं. पेटियां हैं वो जो, हाँ, मुझे जहेज में जो मिली थी वो पेटी भी मेरे पास है. मेरी अम्मा को तो देख भी मिली थी जहेज में, वो उन्होंने अभी तक संभाल के रखी है. ये आपको देनी होगी ना, हमारे रखी होगी कि अपनी बेटी को देनी आगे. पेटियां तो अभी भी दी जाती हैं आपके लिहाफ, रजाइयां, कंबल वगैरह रखने के लिए. और आप लेना चाहिए, अम्मा को देनी है, अम्मा ने रखी होती है. किस पे रखेगी वो, तो पेटी भी आएंगे ना, तो पेटी ऑलवेज देयर. आप वैसे, आपको जेज में कितने जोड़े मिले थे? देखिए बेटा, वो जमाना बड़ा डिफरेंट था. डिफरेंट उस जमाने में जोड़े भी बहुत दिए जाता था, सोना भी बहुत दिया जाता था, 5-5, 6-6, 8-8 सेट दिए जाते. लेकिन आज मैं अब्बा का बिजनेस जो है, अब्बा का पैसा लगाया और उसके बाद प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस ही हुआ. बिल्कुल. फिर क्या सोचा आप? तो क्या फिर ये सोचा कि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड थे ऑलरेडी शोबिज़ में, तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि यार तुम्हें मॉडलिंग करनी चाहिए, तुम्हारी इतनी अच्छी हाइट है, और वैसे भी यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी हाइट हो, थोड़ी सी शक्ल हो, तो लोग खुद ही कह देते हैं कि आप तो भाई आप तो भाई ये. तो वेल, फिर मैं मरीन सईद के पास गई, आई फैब मैंने ज्वाइन किया. फिर मैंने वहाँ से ग्रूमिंग क्लासेस ली, मैंने वॉक सीखी वहाँ से, एक्टिंग की वर्कशॉप वगैरह वहाँ पे होती थी हमारी लाहौर में. तो उसके साथ ही देखते देखते फिर एक फैशन वीक, दूसरा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह, फिर राहत फतेह अली खान के अच्छा साथ. है ना, लोगों को लगता है कि बस आप तैयार हो के आए और आप वॉक किया आपने और आप चले गए. इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल, है ना, पूरी इसकी एफर्ट है. इट्स अ टफ जॉब. ऐसा नहीं है कि आप रेडी होके जाते हो कहीं पर तो बस आपको जाते साथ ही आप रात को घर
گھر سے نکلے اور صبح آپ اسٹار ہو, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو بہت زیادہ خود پر کام کرنا پڑتا ہے. اسپیشلی میں کہوں گی کہ جب آپ ماڈلنگ کے لیے آتے ہو تو آپ کو اپنی واک پہ کام کرنا چاہیے, آپ کو یوٹیوب پہ دیکھنے چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس اس طرح کا یہاں پہ کوئی ہے نہیں چیز کہ ہم جا کر سیکھیں وہاں سے, اور آپ کو کوئی سکھائے گا بھی نہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے یہاں پہ, آپ کو پتہ ہی ہے مطلب کہ ہر پروفیشن میں ایسا ہوتا ہے, ہم اپنے پروفیشن کو ہی بلیم کرتے ہیں. ہر جگہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, تو آپ یوٹیوب سے دیکھیں, آپ گھر پہ پریکٹس کریں. اگر آپ کے کوئی جن لوگوں کو شوق ہے کہ آپ ان کے آس پاس ماڈل ہوں تو آپ ان کو واک کر کر کے دکھاؤ کہ دیکھو میں کیا کر رہی ہوں. بچیاں بھی واک کر رہی ہیں, کر رہی ہیں, اچھا اسکولز میں بھی اس طرح کے ایونٹس اور فنکشنز ہوتے ہیں, بٹ پروفیشنلی اٹس ریلی ڈیفیکلٹ. اٹس نوٹ این ایزی تھنگ کہ آپ نے کانفیڈنس کے ساتھ ڈریس, آپ نے ڈریس جو پہنا ہوتا ہے وہ آپ کے ویٹ سے زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو کیری کرنا اور بہت ہی ایلیگنٹ طریقے سے کرنا ہے, اور تاکہ آپ لگے بھی نہیں کہ آپ فال ہو رہے ہیں, آپ اٹھا نہیں پا رہے, آپ کے فیس پہ بالکل اب یہ آج میں نے فاطمہ بائے لباس میں نے آج یہ ڈریس پہنا تھا, فاطمہ مجھے یہی کہی تھی بار بار پلیز اسٹریٹ بیٹھیے گا, ایسے بیٹھیے گا, کیونکہ ہر ڈریس کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے. آپ نے بڑا اچھا کیری کیا ہوا اور بڑا اچھا لگ رہا ہے, ایلیگنٹ لگ رہا ہے, اور ادھر دیکھ رہے تھے ہم, بالکل مزے کے لگ رہے ہیں. اور یہاں پہ یہ ہے کہ ہم لوگ سیکھتے بہت کم ہیں, اور ہم لوگوں کو باتیں بہت کرتے ہیں کہ یار ہمیں یہاں پہ کام نہیں مل رہا, ہمیں یہ نہیں مل رہا. پرسنل گرومنگ میں کیا کچھ سکھایا جاتا ہے جب آپ ٹریننگ لیتے ہو پراپر ایز اے ماڈل؟ بالکل, آپ کو سب سے پہلے تو آپ کا میک اپ وغیرہ, کیونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں کہ آپ کہیں جاتے ہو تو آپ کس طرح سے لپسٹک لگانی ہے, آپ نے بیٹھنا کس طرح سے, آپ نے کھانا کس طرح سے, آپ نے اوکے رائٹ. ہم کنٹینیو کریں گے لیکن ہمیں ایک بریک لینا ہے, سو بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے. جی اٹھا پاکستان, ونس اگین ویلکم بیک. جی اٹھا پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور میرے مہمان آج ہیں مسز خان اینڈ ہنا ملک, آپ دونوں کو ایک بار پھر سے ویلکم کرتے ہیں. سو مسز خان سے تو بہت ہی مزے مزے کی باتیں ہو رہی تھیں, اور کچھ پرانے, اچھا یہ وہ جو ہیں ہمارے بڑے وہ لوگ ہیں جو یہ جملہ کہہ دینا مناسب ہے کہ یہ لوگ روایتوں کے امین ہیں, یہ آج بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو, اب ہمارے بڑے ہیں کبھی کبھی شاید ہارش ہو جاتے ہیں, کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں, ان کو بھی خیال کرنا چاہیے, ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے, بیکاز یہی ہمارا معاشرہ, ہماری تربیت ہمیں سکھاتی ہے کہ دونوں طرف سے جب بیلنس ہوتا ہے تو پھر آپ ایک بہتر نیشن کے طور پر جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. سو میں مسز خان سے بھی بات کروں گی, لیکن ہے نا ہماری بات ہو رہی تھی, آپ نے کہا کہ میں ماڈلنگ کی طرف آئی اور اس کی ایک لمبی ایفرٹ تھی, اسٹرگل تھی, باقاعدہ آپ نے سب چیزوں کو سیکھا, تو آگے فردر اگلے 5 سالوں میں ہے نا خود کو کہاں دیکھتی ہے؟ اور یہی ہے ویسے ایم, لیکن لیٹس سی, ہوپ فار دا بیسٹ. اچھا تو ابھی کچھ ہو رہا ہے مووی کے حوالے سے کچھ؟ انشاءاللہ, ابھی کچھ ایسا میں بولنا نہیں چاہتی, لیکن انشاءاللہ جب کچھ چاہتی ہوں کچھ چیزیں آئیں خود سامنے, لوگوں کو خود پتا چلے. لوگ ڈرامہ کیا, ایکٹنگ کی؟ ہاں میں نے کیا ڈرامہ کیا, بلکہ میں وہ ایکسپیرینس بھی ضرور آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی, کہ کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار جب آپ لوگ گھر سے نکلتے ہو تو آپ وہی نا کہ آپ راتوں رات اسٹار بن جاتے ہو, ایسا کچھ نہیں, آپ کو بہت صبر کرنا پڑتا ہے اور بہت ساری چیزوں پہ کام کرنا پڑتا ہے. پہلے میں ماڈلنگ کر رہی تھی تو وہ تو چلو ہائٹ کا بھی ایک ایج تھا میرے پاس, اور دوسرا یہ بھی تھا کہ میں شروع میں نے سیکھ لی وہ چیزیں, اور پھر میں کیری بھی اچھے سے کرنا شروع ہو گئی تو وہ مجھے اتنا نہیں فیل ہوتا تھا, مطلب وہ مجھے لگتا تھا میرا اپنا کام ہے اور یہی مجھے آتا ہے. اور جب میں ہوسٹنگ میں گئی تو تب بھی یہی تھا, پی ٹی وی کے ساتھ میں نے کافی شوز وغیرہ کیے ہیں ایز اے ہوسٹ, ٹرانسمیشنس وغیرہ, تب میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی, لوگوں سے ملی, ان سے بات بات کرنا, ان کو جاننا, ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہوتا ہے, وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. لیکن جب مجھے ایکٹنگ کے لیے آفر ہوئی تو تب مجھے ایسے لگا کہ ایکٹنگ اور میں, پہلے تو میں نے ایسے کہہ دیا نہیں میں نہیں کر سکتی, یہ تو بہت مشکل چیز ہے. لیکن پھر سٹ کام تھا, میں نے جواد بشیر کے ساتھ کیا, پی ٹی وی ہوم کے لیے وہ تھا, ہم تم فور ایور ابھی چل ہی رہا ہے وہ, تو اس میں یہ تھا کہ بہت کچھ مجھے سیکھنے کو ملا اور بہت نئی چیزیں سیکھنے کو ملا. جیسے ریڈنگ پہ مجھے کام کرنا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ ریڈنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. پہلے ہم پڑھتے ہیں تو انگلش ناول وغیرہ پڑھ لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ ہم پڑھ لیتے ہیں تو بس کہتے ہیں کہ ہو گیا, اپنے انٹرسٹ, ہاں اپنے انٹرسٹ کے لیے, اور خاموشی سے پڑھ لیا. لیکن پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ریڈنگ کتنا ہیلپ فل ہوتی ہے آپ کے لیے جب آپ ایکٹنگ میں آتے ہو, تو پھر میں نے ریڈنگ بھی کرنا اسٹارٹ کی. اور سٹ کام تھا, آپ کو پتہ ہے کامیڈی سب سے زیادہ مشکل چیز ہوتی ہے, اور ہمارے
राइमिंग पंच लाइन्स. बिल्कुल, और हमारे पाकिस्तान का अलमिया भी यही है कि जब कोई नया बच्चा बच्ची स्पेशली आता है, मैं उनके लिए भी ये बात कहूँगी कि उनको ना सबसे मुश्किल काम दिए जाते हैं. नेगेटिव करेक्टर दिए जाएंगे जिसमें एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको कॉमेडी दी जाएगी जिसमें आपको टाइमिंग का ख्याल रखना पड़ता है. तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, पर मैंने बहुत मेहनत की उस पर. मैं रिहर्सल करती थी, अपना स्क्रिप्ट पढ़ती थी घर पर, फिर मैं यूट्यूब पर देखती थी कि यार लोग कैसे पढ़ लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, जितने भी हमारे सीनियर, बल्कि अब मैंने पाकिस्तान में काम करना है तो ऑब्वियसली मुझे सीरीज से. फेवरेट एक्ट्रेस कौन है या फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? बहुत सारे हैं. सबा कमर मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है. मुझे मेवा शहयाद बहुत ही अच्छी, मतलब कि एक्टिंग वाइज अगर देखा जाए तो मुझे मेवा शहयाद बहुत अच्छी लगती है. उनका मुझे काम बहुत पसंद है मूवीज़ में, जैसे द वे शी टॉक, द वे शी वॉक, मतलब. और क्या ख्वाहिश है कि कौन सा हीरो है जिसके जो है मैं साथ काम करूँ, मूवी करूँ? वैसे मैंने फैशन में तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे पाकिस्तान के सबके साथ ही ऑलरेडी मैंने काम शाम किए ही हुआ है कुछ ना कुछ, तो इसलिए इस तरह की कोई ख्वाहिश नहीं है कि इसके साथ करूँ. हाँ, जिसके साथ भी काम करूँ, जितना भी करूँ, थोड़ा करूँ पर अच्छा करूँ, बस यही है मेरी विश. मतलब कैरेक्टर रोल मिलना चाहिए, यू नो, क्योंकि नॉर्मली आई एम सॉरी बट ऐसा होता है कि जब हम किसी मॉडल को लेते हैं ये टैग कर देते ना कि मॉडल है, तो हमें फिर ये लगता है कि नहीं जी ये एज ए शो पीस या सिर्फ जो है ग्लैमर के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं. बट जिस तरह अभी ये बता रही है कि बाकायदा इन्होंने रीडिंग की, सीखा, पढ़ा. अब जब आप इतनी स्ट्रगल के बाद आते हो तो आपका हक बनता है कि आपको सिर्फ यस ग्लैमर जरूरी है, बड़ी स्क्रीन पर ग्लैमर इंपॉर्टेंट है, बट आपको आपके रोल को भी जस्टिस किया जाए. हाँ, आपको मुकम्मल पैकेज होना चाहिए. मुझे लगता है मॉडल का मतलब ही है कि आप एक मुकम्मल पैकेज हो. आप पाकिस्तान से बाहर हम शोज करने जाते हैं, जैसे लंडन फैशन वीक मैंने किया और फैशन वीक किए हैं, तो आपको वहाँ पर अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे होते हैं, तो अगर आपको बोलना नहीं आएगा. लेकिन है ना बहुत सारी मॉडल्स हैं, आई एम सॉरी, जो सिर्फ जब तक बोलती नहीं है तो सो गुड गुड़िया डॉल टाइप ना, फिर उनको भी काम करना चाहिए, इतनी करना चाहिए. और मुझे काफी सारे लोग कहते हैं कि जब हम लोगों के शुरू में जब मैं होस्टिंग वगैरह ये नहीं करती, सिर्फ मॉडलिंग ही करती थी, तो मुझे लोग यही कहते थे कि हमें नहीं आइडिया था. जब मैं किसी शो में जाती थी एज ए गेस्ट, लोगों को यही लगता था कि आप नहीं बोलेंगी, आप नहीं होगा, मतलब एक इमेज ऐसी लोगों ने वो बनाई हुई. लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज चेंज हो रही है. मिसेस खान जो हैं वो कुछ अपनी यादें अपने साथ लेकर आई हैं, ये मुझे बता रही थी अभी कि मैंने खुद कढ़ाई की है. मैं ज़रूर चाहूँगी कि दिखाइए आप कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वैसे है ना, क्या शौक रहे बचपन में, हॉबीज क्या जमाने में ना बहुत क्रोशिया बहुत बनाया करती थी. आपने खुद बनाया? मैंने खुद, मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल पे डालने वाला इससे भी बड़ा एक बनाया था, वो खराब हो गया. आपकी सास तो आपसे बहुत खुश होगी, आप इतनी सुगड़ बहू, आपको उन जमाने में मिल गई थी. उस जमाने में पीटी भी होता था और शाम को जब हमें टाइम मिलता था तो हम ये चीजें बनाया करते थे. आज की बहू कहती है मैं अपनी सास को डिफरेंट सॉफ्टवेयर बना के. अच्छा, पीले और थोड़े खराब हो गए मैं. ये तो आई लव दिस, इज सो गुड. सर्दियों में आप पहन सकते हैं. ये कितना टाइम लगता है आजकल? बहुत जल्दी, अब मेरा हाथ बड़ा तेज चलता है इन चीजों में. अच्छा, माशाल्लाह, ये एक बहुत अच्छा हुनर है. कितनी टैलेंटेड हैं बाय द वे. आप तो ये लाइफ स्टाइल में, उस जमाने में सोफा बैग्स चलते थे, सोफा आर्म्स चलते थे, तो ये मेरे सोफा बैग्स मैंने बनाए पिंक कलर में, संभाल के रखा हुआ है ना. ये तो अभी जीटीवी जीएनएन पे मैं लाहौर गई हुई थी ना, उन्होंने मेरा सारा दिखाया. ये माशाल्लाह दिखाइए, ये देखें निकाल के. आपने टेबल कवर्स बनाए? नहीं नहीं, ये सोफा बैग्स उस जमाने में होते थे. बैग पे, सोफे के बैग पे जो है ना, ये आपने हाथ से किया हुआ? जी, ये सारा हाथ का. जबरदस्त, जादू है बहू के हाथ में. हाँ जी. तो ये सारा करते होते थे मिसेस खान की. ये मेरी 8th-9th में छोटा छोटा सा हमारा काम होता था. ओके, तो हम ये पता ट्रे कवर्स बनाते होते थे. अच्छा, अच्छा, और नैपकिन्स होते थे उस वक्त बकायदा. आपने होम इकोनॉमिक्स में, आपने आर्ट्स में वो? नहीं, नथिंग नथिंग. ये मेरा ये मेरा बचपन की हॉबी होती थी, बचपन से मैं ना. अभी हमारी हॉबीज चेंज हो गई है ना जमाने के साथ, पहले ये हॉबीज हुआ करती थी. ये देखिए ट्रे कवर्स, ये देखिए नैपकिन्स है मेरे, नैपकिन्स है ये सब मेरे जहेज में गए था. Wow, ये आपके जहेज में? हाँ, ये फिर हमारी अम्मी. संभाल के रखी? हाँ, ये ट्रे कवर्स हैं, ये 6 नैपकिन्स हैं. Okay. अब तो ब्रांड इतने आगे. आपने मेरे जहेज का सामान इस्तेमाल नहीं किया? मेरे जहेज में मैं क्या करती थी, हर वक्त बनाती थी, हर वक्त सिलाई कढ़ाई करती थी. मेरी बेटी नहीं लेकर गई थी. वो कहती थी नहीं, दिस इज ऑल आउटडेटेड, आई डोंट वांट. बट दिस इज रियली नाइस कि आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं. ये ट्रे कवर्स, ट्रॉली सेट्स बनते थे अपने, सेंटर टेबल, साइड टेबल सेट्स बनते थे, ड्रेसिंग टेबल सेट्स बनते थे. अच्छा, ये मैंने अपने पिलो कवर्स जो थे ना, ये 8th में बनाए थे. ये पैकिंग से पता चल रहा है कि आपके जहेज
ये पैक हुआ ये, ये ये मैंने एट्थ में थी जब मैंने बनाया, ये बाद में मैंने बनाया, थोड़ा सा मशीन एम्ब्रॉयडरी भी करती थी ये, फिर अच्छा, मैंने हाथ से बनाया, ये मशीन से बनाया, ये हाथ से बनाया हुआ पिनो का। सो ये तमाम तर आर्ट वर्क है, ये बहुत खूबसूरत फ्लावर लग रहे हैं जो मिसेस खान ने जो है, एंड यू नो ये छोटी छोटी सी यादें हैं लोग अपने पास अपने साथ रखते हैं। ये देखें ये क्रॉस स्टिच का, ये नीचे ट्रॉली सेट्स है और ऊपर ये मैंने सब नैपकिन्स रखे हुए हैं, नैपकिन्स। ओके कलर भी देखो यार, तब उस जमाने में बहुत मजे मजे की चीजें जो है वो मिसेस खान ने खुद अपने हाथ से, सबसे अच्छी बात ये है कि मेहनत जो है वो इतनी ज्यादा इस पर इन्होंने की है और इन सब चीजों को, और बहुत सारी चीजें। हाँ ये भी पिलो कवर्स हैं। नहीं ये हाँ ये वो ही है जो आपने यूज कुछ भी नहीं किया, क्या है अब आप सोचें ये आपको गिफ्ट कर देती हूं, आप इधर कुकिंग करती हैं तो। अच्छा वाह, ये फ्लावर ये एम्ब्रॉयडरी है, ये ब्लॉक पेंट है, ब्लॉक पेंटिंग है ये। ओके अच्छा, लेकिन ये इतना यूनिक वर्क है कि अगर आपके पास ये स्किल है, ये प्रॉपर स्किल है, और अगर आप ये चीजें बनाते हैं और आपके पास ये आर्ट मौजूद है तो आप प्लीज मेरे नंबर्स पर कॉल कीजिए, हम आपको बुलाएंगे अपने शो पर और आपकी चीजें, आपका आर्ट प्रमोट करेंगे। आप ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं अपने इन चीजों के जरिए। मिसेस खान आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं, खाना बनाते हो, ये टेबल कवर बनाया हुआ है मैंने, ये दैट्स नाइस, सेल फोन रख सकते हैं, ये तो मॉडल भी मॉडलिंग भी कर सकते हैं। मैं किचन की मॉडलिंग वेल नहीं कर रही, पर ये मैं जब बहुत छोटी थी, आप सेल फोन रख के ना ये देखें, ये इतना इजी है और ये इतनी जल्दी मैंने बना लिया था। मिसेस खान का जहर देखिए जी उठा पाकिस्तान में, ये ड्रेसिंग टेबल का सेट और ये देखें ये इतनी जल्दी बन जाते हैं, और ये आप यू करके करें और फिर निकालें, और फिर ये भी 15-20 मिनट का काम है। मिसेस खान आप इसको फ्रेम कीजिए इन सब चीजों को, और अपने घर में एक वॉल बनाइए और ये सारी चीजें फ्रेम करके वहां लगा। ये मैंने अपनी फ्रेंड्स को बड़ा गिफ्ट किया है, कोई इंटरेस्ट नहीं है मैं क्या बोल रही हूँ, ये मैंने अपनी फ्रेंड्स को बड़ा, उनको ये बड़ा अच्छा डिजाइन लगता है, राइट, जबरदस्त। आप और ये इतना जल्दी बनता है, देखिए इतना क्रॉस स्टिच के फटाफट फटाफट यहाँ पे ग्रीन कलर। अच्छा है ना, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर बहुत इस वक्त मार्शल वो आपके फॉलोअर्स भी हैं, तो अब आज का दौर ऐसा है कि इस तरह के जितने भी स्किल लोगों के पास मौजूद होते हैं वो बिजनेस करते हैं। तो आपने भी अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया? हाँ, ऑनलाइन ही हम लोग तो करते हैं, ऑनलाइन है हम ऑर्डर, मतलब कोई भी पकड़ते हैं, ऑनलाइन ही होता है, लोग हमें चीजें सेंड कर देते हैं कि हमें इस तरह के ड्रेस चाहिए, हमें इस तरह की चीज चाहिए, तो हम उनको ऑनलाइन ही बनाकर और उनको सेंड करते हैं। और ऑनलाइन करना चाहिए, इनके पास इतनी ज्यादा चीजें हैं, कोनों में पड़ी। अच्छा अभी कोने भी देखने ट्रॉली सेट्स हैं, और ये नैपकिन्स हैं, छोटे छोटे से फूल, उस जमाने में ये कपड़ों के नैपकिन्स होते थे। ओके, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है, इट्स वेरी नाइस। और आज अगर आप ये खरीदने जाएंगे, आई नो कुछ दो तीन ब्रांड इस तरह के हैं जो ऐसी चीजें बनाते हैं, बहुत हैंडमेड चीजें हैं। नहीं ये आपने तो हैंडमेड है, बट यहाँ पर भी हैंडमेड चीजें बिकती है ना मार्केट्स में, तो काफी एक्सपेंसिव है। बहुत लोग ट्रोल करते हैं सोशल मीडिया पर, आसान समझते हैं कि किसी के लिए भी कोई बात कर देना, कैसे मैनेज करते हैं? मैं इग्नोर करती हूँ सबसे पहले लोगों को, कि क्योंकि लोग लाइक आप किस किस को जवाब दोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या हो रहा है। टेंशन होती थी शुरू में, पहले शुरू शुरू में होती थी, लेकिन मैंने अब चीजें देखना छोड़ दी इंस्टा के अलावा, मुझे नहीं लगता कि कुछ और लोगों को आप रिप्लाई करें या कुछ। एक और कॉलर आ गई, ये भी मेरी नैपकिंस हैं। अच्छा जी, मिसेस खान की नैपकिंस भी हैं, हम दिखा रहे हैं, और एक कॉलर भी लेते हैं। बड़ा मल्टीटास्किंग शो है आज मेरा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू। कौन है हमारे साथ? रिजवान नियाजी। रिजवान साहब क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैं आपका जो प्रोग्राम देख रहा था, अभी फ्री हुआ तो देख रहा था, बड़ा मजेदार, एक ऐसी फीलिंग हो रही थी जैसे मैं प्रोग्राम देख नहीं रहा, आपके प्रोग्राम के अंदर बैठा हूँ मैं। हाँ स्वीट, थैंक यू। एक मजेदार सा टॉपिक बैठा था, और माशाल्लाह हिन्ना भी आपकी गेस्ट है, मिसेस खान भी, वो भी इनका देख रहा था, बड़ी मेहनत है। और आजकल ये जो मेहनत है, मैं कहता हूँ कि ये बहुत कंप्यूटर माइंडेड होते हैं लोग, ऐसे जितनी मेहनत करते हैं अपने हाथ से इतनी,
चीजें बनाते हैं। अच्छा रिजवान साहब ये बताइए, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मर्द भी देख रहे हैं शो और कॉल भी करें। कितना जरूरी है आज की सोसाइटी के मर्द को कि वो घर की खवातीन को सपोर्ट करें, उनका साथ दे, चाहे वो डोमेस्टिक काम के लिए हो या घर में अब चीज़ों का ख्याल एहसास रखने के लिए। ज़रूरी है, मर्द की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो हम कहते हैं कि गाड़ी चले घर की, उसमें बेगम का भी साथ हो और मर्द का भी साथ हो, दोनों की सपोर्ट हो। डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है। असल में हमारा जो मुआशरा है वो इस तरह चल पड़ा है कि मर्द अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, वो कोई 8 घंटे की ड्यूटी करके आता है, घर में आता है तो वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा बहाद हो गया हूँ। हाँ। जबकि औरतें घर का काम भी करती हैं, सुबह बच्चों को स्कूल भी भेजती हैं, नाश्ता भी बनाती हैं, फिर जॉब भी करती हैं, फिर वापस आती हैं, तो वो कंटिन्यू रहती हैं। जबकि वो कोई एहसास आपको नहीं दिलाती कि मैं कोई जॉब करके हूँ, इस तरह का कोई। राइट, मर्दों को शाना बशाना चलना चाहिए। और दूसरा हिना का भी मैं देखता रहता हूँ, हिना मेरे साथ है सोशल मीडिया पे, देख रहा हूँ माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही है। आई एम आल्सो बिलोंग टू शोबिज एक्टर मॉडल। थैंक यू सो मच। राइट रिजवान साहब, थैंक यू सो मच, कॉल करते रहिएगा, बहुत अच्छा लगा आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, इतना पॉजिटिव बोला है किसी मर्द ने भी आकर, ये सबसे देखें ये मेरी बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है। और ये इतनी सिंपल एम्ब्रॉयडरी है कि अगर आप बैठे ना मेरे साथ, मैं आपको 5 मिनट में सिखा दूं। और ये इसके आपको मिसेस खान के साथ एक शो करना चाहिए जिनमें एक क्लास दे लो बेटा। आज का जो मेरा सेगमेंट का क्लोजली लो, ये बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी है और बहुत इजी एम्ब्रॉयडरी जी, उन्होंने अभी दिखाया इसका, ये देखें आप क्लोज, मिसेस खान की पुरजोर फरमाइश पे इसका क्लोज भी हमने दिखाया। मिसेस खान थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टाइम बाकी चीजें हम कुछ बचा लेते हैं ना अगले शो के लिए, ठीक है, वो हम बचा लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दिखाएंगे। अच्छा अगेन जिस तरह अभी ये आपके सोशल मीडिया के फैन भी थे, उन्होंने कहा वो आपको फॉलो भी कर रहे हैं, सो है ना, मैं उन सबका सबसे पहले दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ सीरियसली, कि मुझे लोग इतना प्यार करते हैं और हर जगह मुझसे यही बात पूछी जाती है कितने ज़्यादा लोग तुम्हें क्यों फॉलो करते हैं, ये मुझे नहीं पता, ये आप लोगों का प्यार है कि आप लोग करते हैं, तो दिल की गहराइयों से आप लोगों का शुक्रिया। मुझे लगता है कि आप जो भी होते हो, जब आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं तो उसके बाद ही आप बनते हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से कुछ तो मिलना चाहिए ना। अच्छा वेरी इम्पोर्टेंट, ये जो पॉजिटिव अप्रोच है जितनी हमने अब तक बात की उसमें बहुत ही पॉजिटिव जो है वो एनर्जी हिना की फील हुई, तो ये बहुत अच्छी बात होती है, ये भी आप सोसाइटी से सीखते हो। एक और कॉलर भी आ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं आमना हक बोल रही हूँ। आमना आप कैसी हैं, कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं लाहौर से कॉल कर रही हूँ। हाँ जी आमना, क्या कहना चाहोगी? मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। एक बात इसमें ये कहनी है, हाँ जी, कि जो घर में रहने वाले लोग होते हैं ना, जहाँ पे आप शादी करके आते हो, सास जो होती है, आप उसको बिल्कुल अपनी माँ की तरह ट्रीट करोगे ना, तो उसमें भी थोड़ी सी जो है वो लचक आ जाएगी। डेफिनेटली वो भी एक इंसान है। मैंने भी जब अपना नया नया जब शादी हुई है तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया, मैंने एक छोटी सी एकेडमी खोली, वेरी गुड माशाल्लाह, बड़ा जो है वो काम सिलसिला चल पड़ा। ये उन्हीं की वजह से जो है ना वो सारा हुआ है। तो इस वजह से जरूरी नहीं कि शौहर ही आपको सपोर्ट करे, जो दूसरे लोग होते हैं ना वो भी आपको इनकरेज करते हैं, तो आप थोड़ा सा जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो होता है कि इंसान को अपने आप को बिल्कुल स्लो नहीं करना चाहिए, शादी के बाद थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए। एक्टिव होंगे हम, अपने आप को थोड़ा तंदुरुस्त रखें, अपना ख्याल करें, दूसरों का ख्याल रखें, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ट्रू, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही आमना, और यही बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी है उनको एक्सेप्ट करें, ठीक है। जिस तरह आपको आपके अपने आपके मैके वाले आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसी तरह जिस शख्स से आप जुड़े हैं उसके घर वालों की भी इज्जत करना आप पर उतनी ही लाजिम है, क्योंकि उसके भी वही सेम इमोशन है अपनी फैमिली के लिए जो आपके इमोशन है अपनी फैमिली के लिए। इस पर इंशाल्लाह प्रॉपर एक प्रोग्राम करेंगे, मिसेस खान को उसमें भी बुलाएंगे दोबारा ना, ताकि इन चीज़ों को डिस्कस कर सकें। आज के लिए थैंक यू मिसेस खान, बहुत शुक्रिया। ब्लड प्रेशर हाई मत किया करें, टेंशन मत लिया करें, रिलैक्स रहें, है ना। थैंक यू, कुछ कहना चाहोगी? शॉर्टली, टाइम नहीं है मेरे पास। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जी टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने लोगों ने शो देखा उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज इस तरह मुझे फॉलो करते रहिए और मुझे प्यार दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। एक ब्रेक लेंगे और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए, जी उठा पाकिस्तान।
ونس اگین ویلکم بیک جی اٹھا پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور مختلف چیزیں ہم پروگرام میں کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں تاکہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے سو ایک اور کوشش جو ہمارا میڈیکل سیگمنٹ ہے اس میں جو بھی آپ کے مسائل ہوتے ہیں صحت کے حوالے سے ہم ان پر بات کرتے ہیں سو جو ہمارا گیٹ وے ہے ہمارا ماؤتھ جس سے ہم کھانا کھاتے ہیں اگر یہاں یہی صاف نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ جرمس ہمارے اندر جائیں گے اور پھر ڈائجیشن ڈسٹرب ہو جاتی ہے اینڈ اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہ درپیش آتے ہیں بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں اس وجہ سے تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی اورل ہائیجین کا خیال رکھیں وہ آپ کیسے رکھیں گے اس کے لیے پروفیشنل ڈاکٹرز ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو اس حوالے سے آپ کو گائڈ کریں گے سو اوور ٹو یو ڈاکٹر عطا تھینک یو ثنا بالکل اورل ہائیجین ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جو کہ ہمارے یہاں خیال رکھنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن اس طرح نہیں رکھ پاتے جس طرح رکھنا چاہیے اور اسی وجہ سے منہ کے حوالے سے اور دانت کے حوالے سے مختلف امراض کا وہ شکار ہو جاتے ہیں جب بھی دانت کا ذکر کیا اس سے پہلے بھی ہم نے ڈینٹسٹری کے حوالے سے یعنی دانت کے حوالے سے اور اورل ہائیجین کے حوالے سے پروگرامس کیے اس وقت بھی اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ دانتوں کی اورل ہائیجین بہت اچھے طریقے سے ہو کلین ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا یعنی چاہے بہت نارمل روٹین کی میں بات کروں ٹوتھ برش جو ہم کرتے ہیں تو ٹوتھ برش صحیح سے ہو اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی چیز خراب ہو گئی ہے کوئی دانت کا حصہ خراب ہو گیا یا پورا دانت جو ہے وہ انفیکٹڈ ہے تو اس کی کس طرح دیکھ بھال کی جائے اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید فضل عباس السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحب اورل ہائیجین کے حوالے سے ہم ذکر کرتے ہیں اپنے پچھلے پروگرام میں بھی کیا اور ہمیں خوشی ہے کہ آج ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں سب سے پہلے تو امپورٹنٹ میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین یہ سننا چاہیں گے کہ اورل ہائیجین جو ہے اس کا کس طریقے سے خیال رکھا جائے کیا صحیح طریقہ کار ہے دیکھیے اورل ہائیجین جس طریقے سے پوری باڈی کی ہائیجین ہوتی ہے کہ لوگ بال لوگ روز شیمپو کرتے ہیں یا منہ پہ جتنی چیزیں اپلائی کرتے ہیں اسی طریقے سے دانتوں کو بھی ایک مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آپ کی جتنی اورل ہائیجین اچھی ہوگی اتنا آپ کا دوسرے لوگوں پہ امپیکٹ بہت اچھا جاتا ہے تو اس کے جو مین تین طریقے ہیں کہ جس سے ہم اپنی اورل ہائیجین کو بہت بہتر کر سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ برشنگ ماؤتھ واش اینڈ فلاسنگ ٹھیک ہے تو برشنگ کے حوالے سے ایک خاص اسپیسیفک طریقۂ کار پہلے بھی ہم پروگرام میں بتانے کی کوشش کی اور جو ناظرین ہمیں جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے تو ان کو بھی علم ہونا چاہیے کہ ہاں برشنگ پراپرلی کس طرح کرنی چاہیے اور کتنی دیر کرنی چاہیے دیکھیں برشنگ کے بارے میں ایک بہت ایک اچھی مت ہے کہ لائک کافی زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ سو کے اٹھ کے ناشتے سے پہلے برش کرتا ٹھیک ہے جو کہ غلط چیز ہے ڈینٹسٹری میں ناشتے سے پہلے برش نہیں کرنا آپ نے ناشتے کے بعد برش کرنا ہے صبح اچھا وہ اس وجہ سے کیونکہ جب آپ ناشتے سے پہلے برش کریں گے پھر ناشتہ کر لیا پھر آپ اپنے آفس میں ورک میں اسکولس میں جائیں گے تو پورا دن آپ کے دانتوں میں وہ کھانا چپکا رہے گا ڈاکٹر فضل بالکل ایک نئی سی بات آپ سے سننے میں آئی کہ آپ نے جیسے کہا کہ ہم ناشتے سے پہلے برش نہ کریں ناشتے کے بعد کریں یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم صبح جو ہے وہ جو نہار منہ برشنگ کی ہم شروع سے ہی سنتے ہیں شروع سے عادت ہے ہم سب کو جی تو اس میں ناشتے کے بعد برش کریں وہ برش آپ کا پورے دن آپ کا ہائیجین رکھے گا منہ میں دانتوں کو کلیئر رکھے گا فوڈ پارٹیکلس اسٹک نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اور پھر ایک دفعہ رات میں سونے سے پہلے کیونکہ جب ہم سوتے ہیں تو وہ ایک بہت لمبا اسپین ہے کہ 6-7-8-9-10 گھنٹے منہ بند ہوتا ہے اچھا تھوک کا فلو کم ہو جاتا ہے جب آپ سوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اگر کھانا چپکا رہتا ہے تو وہ بہت مین ٹائم ہوتا ہے کہ جب دانتوں میں کیڑا لگتا ہے بدبو آتی ہے بیکٹیریا آتا ہے تو ایک رات میں سونے سے پہلے ایک صبح ناشتے کے بعد یہ دو ٹائم اگر آپ برشنگ پراپرلی رکھیں گے تو ان شاء اللہ کوئی ڈیوریشن آف برشنگ کیا ہونی چاہیے دیکھیں ایٹ لیسٹ 1-2 منٹس ہونی چاہیے اچھا کہ آپ اس کو پراپرلی دھیان سے برش کریں کہ جیسے کہ ایک زیادہ لوگ کرتے ہیں کہ بالکل ہارزونٹلی برش کرتے ہیں جبکہ چاہیے کہ آپ ورٹیکل برش کریں اور ایک ایک سرفیس پہ جس طریقے سے آپ کسی جیسے انگوٹھی کو چمکائیں نا تو اس کے کونے کونے پہ آپ نے پالش کرنی ہے اسی طریقے سے دانتوں کے ہر کونے کو آپ نے ٹچ کرنا ہے اچھا ایک چیز اور ہے کیونکہ اسٹیننگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے چائے پی جا رہی ہے سگریٹ ہے اور دوسری چیزیں تو لوگ رگڑ کے بھی برش کرتا کوشش ہوتی ہے کہ پہلی ہی دفعہ میں وہ بہت کلیئر ہو جائے یا کلین ہو جائے تو کیا یہ کرنا صحیح ہے نہیں دیکھیں جو یہ والے اسٹینز ہیں کافی کے یا سگریٹ کے یہ اسٹینس اتنے ایزی نہیں ہوتے کہ یہ برش سے چلے جائیں ٹھیک ہے جبکہ اور لوگوں کی یہ کوشش کہ وہ
ہارڈ برش یوز کر کے زور زور سے وہ دانتوں کو ڈیمیج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, دانت اسٹین جاتا ہے, دانت ڈیمیج بھی ہوتے ہیں, اور پھر دانت تو وہ ایک صحیح طریقہ نہیں ہے. ٹھیک, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ 6 منتھلی مطلب کہ ہر 6 مہینے پہ ڈینٹسٹ کو وزٹ کریں اور اسکیلنگ کرا لیں. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں لاج ہو جاتا ہے, جیسے منہ میں کوئی چیز کھا رہے ہیں اور وہ لاج کر جاتی ہے, تو عموماً وہ کوئی بھی چیز ہاتھ میں آئی, چاہے وہ پن ہو گئی, اگر ٹوتھ پک نہیں مل رہی ہے پراپر, تو اس کا استعمال جو ہے وہ کس حد تک نقصان دہ ہے دانتوں کے لیے؟ دیکھیں, یہ بہت ہی کبھی کبھی یہ بہت ہی سمجھیں گلے پڑ جاتی ہے بات. یہ میں نے اپنے ساتھ ایک دفعہ خود کر لیا تھا, تو مجھے کافی ایکسپیرئنس ہے کہ میں نے ایک دفعہ تھوڑا سا انفیکشن ٹائپ کرنا, میں نے اس میں پن یوز کر لی. ٹھیک ہے, اور لٹرلی میرا منہ پورا پھول کے اتنا بڑا ہو گیا تھا کیونکہ وہ بہت انفیکشن اسپریڈ کر گیا. تو ایسی چیزیں منہ میں خاص طور پہ نہیں یوز کرنی چاہیے, جبکہ ڈینٹل فلاس آتا ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ اس سے دانتوں کو دن میں روز ایک دفعہ ایٹ لیسٹ یوز کریں, دانتوں کی ہر جگہ سے وہ جتنے بھی پارٹیکلز ہیں جو چیزیں وہ اس کو نکال دیتا ہے. اچھا, ماؤتھ واشز کے حوالے سے کیا کہیں گے, کیونکہ ماؤتھ واشز کا بھی کچھ جگہوں پہ بہت اچھا فریکوینٹلی یوز کیا جا رہا ہوتا ہے, اور کرنا چاہیے یا نہیں, اس کا کتنی افادیت ہے؟ ماؤتھ واش ایک اچھی چیز ہے کہ جیسے کہ جہاں پہ برش نہیں پہنچ سکتا وہاں پہ ایک لیکوڈ سولیوشن آپ کے دانتوں پہ, جس میں سمجھے میڈیکیٹڈ ہے کہ اس میں فلورائڈ بھی شامل ہوتا ہے, کبھی کبھی ڈی سینٹیسائزنگ ایجنٹ شامل ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے ان جگہوں پہ دانتوں کے چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کا برش نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, لیکن ماؤتھ واش کے حوالے سے ایک چیز ہے, کچھ لوگ ماؤتھ واش یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی سے کلی کر لیتے ہیں. اچھا, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, واش نہیں کر دینا چاہیے جو جو آپ نے رکھا ہے. اگر ماؤتھ واش اس کو کیا صرف اسپیل آؤٹ کر دیں اور اس کے بعد پھر رہنے دیں اس کو تاکہ وہ دانتوں پہ لگا رہے, اور اس سے جو بھی اس کا کانٹینٹ ہے اندر میڈیکیشن کا وہ دانتوں پہ لگا رہے. اور عموماً ایڈورٹائز کی جاتے ہیں ٹوتھ پیسٹ, میں نام نہیں لوں گا, لیکن وہاں پر یہ ذکر آتا ہے کہ جی جو سینسیٹیو ٹیتھ ہیں یا جو گمز جو ہیں وہ سینسیٹیو ہو گئے ہیں, ہائپر سینسیٹیو حساس ہو گئے ہیں بہت زیادہ, اور ٹھنڈا گرم لگ رہا ہے, تو ایسی صورت میں کیا ٹوتھ پیسٹ کا واقعی میں اس طرح کا رول ہے کہ وہ کرنے کے بعد جو ہے آرام آ جاتا ہے؟ دیکھیں, کافی حد تک, اچھا کافی حد تک ہے, لیکن ہر کنڈیشن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے اگر آپ کی کنڈیشن آپ کو بہت زیادہ ٹھنڈا گرم لگ رہا ہے تو پھر آپ ڈینٹسٹ کی طرف رجوع کریں, کوئی نہ کوئی کیویٹی یا کوئی گم ڈیزیز ہوگی جس کی وجہ سے وہ آپ کو زیادہ فیل ہو رہا ہے. ویسے ہی جو ٹوتھ پیسٹ ہوتے ہیں جیسے کافی سارے برانڈس ہیں, تو وہ کافی حد تک فائدہ بھی دیتے ہیں. اچھا, دوسری ایک چیز جو بہت زیادہ کامنلی سننے میں آتی ہے وہ ہے ہمارے دانتوں میں کیڑا لگنا. ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے لوگ جو ہیں وہ شروع میں تو یہ ہوتا ہے جو ڈارک ڈارک نظر آنے لگتا ہے گہرا سا, تو اس کو کریدتے بھی ہیں, ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں, تو کریدنا کیا صحیح ہے؟ کیونکہ ہم تو عام لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم تو بیکٹیریا جو لگا ہوا اس کو ہٹا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یا وہ جو چیز اٹک گئی ہے, تو کیا یہ چیز صحیح ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کتنا ٹائم نارملی ڈیوریشن لگتا ہے کہ اگر دانت ابھی سے انفیکٹڈ ہوئے تو کس حد تک پہنچ جائیں گے کہ وہ روٹ کنال کی پوزیشن آ جائے؟ دیکھیے, جو دانتوں کا جو ایک آپ کو ایک بلیک لائن سی دکھتی ہے, خاص یوزلی پیچھے والے داڑھوں میں آپ کو ایک لائن سی دکھتی ہے, وہ سمجھیں انیشیٹ ہو جاتا ہے کیڑا لگنا. اچھا, اور کبھی کبھی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کیونکہ جو ہمارا جو اوپر والی سرفیس ہے دانت کی انیمل ہے وہ بہت ہارڈ ہے, لیکن جو اس کے نیچے ڈینٹین ہے وہ سافٹ ہوتا ہے. سافٹ ہے, تو کبھی کبھی جیسی سمجھیں کیڑا انیمل سے ہوتے ہوئے ڈینٹین تک پہنچا, اب انیمل اتنا جلدی پھر ڈیمنرلائز نہیں ہوتا جتنا ڈینٹین ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ سمجھیں کیڑا اندر بہت جلدی اسپریڈ کرتا ہے. اچھا, تو اس وجہ سے یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو کیڑا محسوس ہو رہا ہے لگ رہا ہے تو آپ ڈینٹسٹ کے پاس جا کے اس کی فلنگ کرائیں. یہ سمجھیں روڈ کی مثال ہے, اس کا مقصد یہ ہوا, سوری آپ کی بات کرتی ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو لائن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بلیک سی باریک باریک سے نظر آ رہی ہے, تو اس لائن کو جو ہے وہ یعنی اگر ہم زیادہ برشنگ کریں اچھے تو وہ ختم ہو جائے گا, یعنی وہ چیز جو جمنا شروع ہو. دیکھیں, کچھ کنڈیشنز میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کی پراپرلی ہائیجین رکھنا شروع کر دیں, برش کرنا, کوئی پارٹیکل فوڈ نہیں جمع ہو, ٹھیک ہے, تو وہ وہیں اسٹاپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگا, وہ برشنگ سے جائے گا نہیں. اچھا, کیونکہ وہ جو آپ کو کالا سا دکھ رہا ہوتا ہے وہ آپ کا انیمل جو ہے وہ ڈیمنرلائز ہو چکا ہوتا ہے, ہٹ چکا ہوا ہے, تو وہ برش سے نہیں جاتا, وہ آپ جا کے فلنگ کرا لیں. جیسے ایک روڈ ہے اس پہ ایک دڑار آ جاتی ہے, آپ اس کو اسی وقت اگر پیچ لگا دیں تو وہ بچ جائے گا نقصان سے, ورنہ پھر گڈھا ہو جائے گا اور پھر آپ کو پتا ہے کہ خرچہ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا, روٹ کنال کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ روٹ کنال کے کوئی اسپیسیفک ٹائم ہے کہ جس وقت روٹ کنال کرایا جائے؟ نارملی درد ہوتا ہے, ہم نے اینٹی بایوٹک کا کورس کیا, درد دور کرنے کی ادویات استعمال کریں اور وقت صحیح ہو گیا, یعنی بعض وقت تو مہینہ 6-6 مہینے تک درد نہیں ہوتا, تو ایسی صورت میں روٹ کنال ریکمینڈیڈ ہے یا نہیں؟
देखिए, अगर दांत की ऐसी कंडीशन हो रही है कि आपको एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि दांत रूट केनाल की तरफ जा चुका है, इन्वॉल्वमेंट हो रही है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स उसका इन्फेक्शन टाइमली तो हम ख़त्म कर देंगी, वो प्रेशर कम हो जाएगा, दर्द आपको आराम आ जाएगा। लोग समझते हैं बस ठीक हो गया, दवाइयों से ठीक हो गया, लेकिन इसका मतलब है कि कैविटी इतना डीप हो चुकी है कि वो आरसीटी की रूट किनाल की तरफ जा चुकी है। तो बेहतर है कि जब भी ऐसे सिम्टम्स आएँ आप फ़ौरन डेंटिस्ट को रुजू करें। कोई ऐसा भी ऐसा दर्द जो कि दवाई के बगैर ठीक नहीं हो रहा आपके दांत में, ठीक है, इसका मतलब है कि अब ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, अब डेंटिस्ट सही करेगा। अच्छा, दूसरी एक चीज़ जो बच्चों में आजकल, क्योंकि जंक फूड्स का भी इस्तेमाल है, जूसेस भी ले रहे हैं और ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ा हुआ है, दांत बहुत टेढ़े मेढ़े निकलने लगे। मतलब अगर हम पिछले वक्त की बात करें और अब में बहुत फ़र्क आ गया, बहुत जल्दी जो है बच्चों में देखने में आते हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। इसके लिए क्या ऐसी एहतियात की जाए या ऐसा ख्याल किया जाए जो घर में, ख़ासतौर पर 3-4 साल की उम्र के बच्चों की मैं बात करूँ? देखिए, इसका एक सोशल, एक कल्चरल इफेक्ट भी होता है अपना बच्चों के दांतों पे। जैसे पिछले ज़माने के जो माँ बाप थे वो ऐसी चीज़ें बच्चों को नहीं देते थे, जैसे पेसिफायर्स हैं या बॉटल के, बस दूध की बोतल लगा के उसको छोड़ दिया, काफ़ी काफ़ी घंटों बच्चा एक ही पोजीशन में है। आजकल के माँ बाप भी बिजी हो गए हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो इस वजह से बच्चों की वो डेंटिशन ख़राब हो रही होती है, उनके दांत जो हैं टेढ़े मेढ़े हो, जैसे अगर बॉटल वो काफ़ी देर तक दांतों के बीच में रखेगा तो दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं। अगर वो पेसिफायर का यूज़ उसका इस काफ़ी आगे की 4-5-6 साल की एज तक है तो उसके ऊपर वाले दांत जो हैं वो बाहर निकल आएंगे, बहुत डीप पैलेट हो जाएगा, नीचे वाले जो उसके दांत हैं वो अंदर की तरफ हो जाएंगे, ठीक है, कीड़ा लग रहा है दांत में। पेरेंट्स का ये कहना है कि भाई तो बच्चों का दे तो गिर जाएगा और नया आ जाएगा, इसमें तो कुछ कराने की ज़रूरत नहीं। वो लगा रहा, दांत नहीं टूटा, नीचे से जो दांत आना था वो उसकी जगह, उसकी डायरेक्शन भी बदल गई, उसकी डायरेक्शन बदल गई, वो उसको जगह नहीं मिली, वो साइड से निकल गया, साइड से निकल गया। फिर बोलते हैं कि ये इनके फैमिली में सबके टेढ़े, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और अमूमन माएँ घर में करती हैं या जो वालदैन हैं कि जी जिनके दांत बाहर हैं छोटे बच्चों में, तो वो हाथ से दबाते रहो, प्रैक्टिस से करवाते हैं कि जी हाँ हाथ मुस्तकिल प्रेस रखें, तो क्या इससे फ़र्क पड़ता है? देखिए, दांतों में एक अगर कंटिन्यूस प्रेशर है तो उससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर जैसे हाथ का प्रेशर है वो इतना ज़्यादा रेगुलरिटी से नहीं है कि वो दांतों को उस तरीके से इफेक्ट करे, तो या तो आप ब्रेसेस इस्तेमाल करें, ठीक है, और डेंट मतलब कि आपको ऐसे रिटेनर्स बनते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हम जरा उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अजीम साहब, मुझे पूछना डॉक्टर साहब से ये था कि मैं पहले कुछ तकरीबन आज से 2 साल पहले तक वो जैम और पान गुटखा वगैरह खाता था, ठीक है, तो अभी मैंने छोड़ दिया है उसको खाना, लेकिन मेरा मुंह तकरीबन खुलना बंद हो गया, ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं खुलता और मिर्चियाँ भी ज़्यादा लगती हैं, ठीक है, गरम नहीं खा पी सकता कोई चीज़, ठंडी चीज़ ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है, बिल्कुल। अजू साहब, आपका पॉइंट आ गया, एक्चुअली जैसे इन्होंने बताया म्यूकोजल फाइब्रोसिस की बात कर रहे हैं, छालिया का इस्तेमाल, गुटके का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, इस पर ज़रा सा ज़रूर बात करें, हमारे नाज़रीन को बहुत वाजे तौर पर बताएँ कि ये म्यूकोजल फाइब्रोसिस है क्या और ये किस हद तक नुकसानदेह है। देखिए, काफ़ी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, जो यंग पेशेंट्स, छोटे छोटे 15-16 साल के बच्चे कि जो आते हैं और उनका मुंह बिल्कुल नहीं खुल पा रहा होता, इससे ज़्यादा 2 उंगलियों से ज़्यादा उनका मुंह नहीं खुल पा रहा होता, और कुछ कंडीशंस में इससे भी ज़्यादा वर्स हो जाता है। ये कंडीशन इस वजह से पैदा होती है कि जो हम छालिया, गुटखा या ऐसा मावा, जीएम टाइप की चीज़ें जो आप मार्केट में हैं, इसके कंटिन्यूस इस्तेमाल से आपकी जो इलास्टिसिटी होती है स्किन की वो ख़त्म होती जाती है और फाइब्रस बैंड्स बन जाते हैं। फाइब्रस बैंड्स, वो जो बैंड्स होते हैं वो आपके माउथ ओपनिंग लिमिट कर देते हैं, मतलब इतना छोटा मुँह खुलता है कि, और उसको ट्रीट करना फिर या तो सर्जिकल है या बहुत मुश्किल है। काफ़ी सारे लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ नहीं जाते, किया जाता है स्टेरॉइड्स का भी यूज़ किया जाता है, तो या फिर मतलब वही वाली बात कि आप एक अपना खर्चा भी बढ़ा रहे हैं, एक लिमिटेशन आपके अंदर, एक डिसेबिलिटी एक इंसान में आ जाती है कि एक ऐब आ गया जो कि इरिवर्सिबल। बिल्कुल, ज्यादातर कंडीशन इस हवाले से बिल्कुल फर्दर आपसे मैं डिटेल में अभी एक ब्रेक के बाद बात करूँ। नाज़रीन, इस वक्त छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा आके इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे।
नादरीन ब्रेक से पहले हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे थे। गुटखे का इस्तेमाल, झालिया का इस्तेमाल, पान का इस्तेमाल बढ़ता ही चला जा रहा है और ख़ास तौर पे हमारी यंग जनरेशन इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से उनको अभी एज नहीं है क्योंकि उम्र नहीं है तो पता नहीं चल रहा, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद बहुत अचानक वो ये फेस करने पे आते हैं कि जी मुंह नहीं खुल रहा है और मिर्च लग रही है, ज़रा सा खाने पर भी उनको खाना मुश्किल हो गया है। तो ये एक बहुत तशवीश की बात है, इस चीज़ को समझें और डॉक्टर साहब जो एक्सप्लेन करेंगे उस हवाले से इसको प्लीज़ बगौर सुनिए और इस पर अमल करिए। डॉक्टर साहब, ये जो म्यूकोसल फाइब्रोसिस की अभी हम बात कर रहे हैं जो कि बहुत क्विकली डेवलप हो जाता है, इसका अल्टीमेट क्या है या इसका जो क्या कहते हैं कि अंजाम क्या है अगर ऐसा रहता है तो? देखिए, अगर यही कंडीशन रहे और ये ट्रीट ना हो और अगर कुछ शौकीन लोग गुटखा खाना भी ना छोड़ें तो ये कैंसर को लीड करता है, कैंसर को लीड, ठीक है। और ये जो ख़ासतौर पर जो आपके मुँह के कैंसर होते हैं ये इतने डेंजरस होते हैं कि इसमें फिर आपकी ज़िंदगी भी बहुत कम हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्टर साहब ने भी बताई कि प्लीज़ इस चीज़ पर ध्यान दें, इसको इजी ना लें, पता नहीं चल रहा है, ये हिडन जो है एक जहर आप खा रहे हैं और ऐसा जहर जो कि साल दो साल के अंदर भी, डॉक्टर साहब बाद ऐसा होता है कि साल दो साल के अंदर ही ये चीज़ डेवलप हो। बिल्कुल, देखिए कुछ लोगों में बहुत टाइम खाने के बाद भी नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों में एक डेढ़ साल में ये चीज़ डेवलप हो जाती है। यंग एज में जिन बच्चों में ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं इसका मतलब है कि उनके अंदर ये एलिमेंट्स हैं कि उनकी डाइट का इशू है, उनकी ओरल हाइजीन का इशू है। ओरल हाइजीन बिल्कुल और डाइट का इशू है। डॉक्टर साथ में हमारे कॉलर मौजूद हैं, हो सकता है इसी हवाले से बात हो। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद सलीम कराची से बात कर रहा हूँ। जी मोहम्मद सलीम साहब, ये मेरे दांतों का थोड़ा मसला है। जी जी बताइए। ये दांत मसूड़े में ना, मतलब ये गोश्त खत्म होता जा रहा है। क्या खत्म होता जा रहा है? मसूड़ों पे, ये मसूड़े होते हैं ना जो मतलब दांतों के ऊपर। अच्छा ठीक है। इसकी जो ये गोश्त है इसका बिल्कुल ये मतलब दांत निकलते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब खाली दांत है, गोश्त नहीं है। अच्छा छोड़ रहा है, यानी मसूड़े जो है दांत को छोड़े। क्या उम्र है आपकी? मेरी तकरीबन 46 है तकरीबन। अच्छा 46 है जी, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा ये नमक के पानी से जो कुल्लियाँ करने की हम बात करते हैं, गरारे करने की बात करते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक इसका इफेक्ट है, ठीक है, और काफ़ी हद तक जख्मों के रिलीफ के लिए और जख्म इससे काफ़ी जल्दी भर जाते हैं, हील हो जाते हैं। तो इसका एक ये समझे मैजिकल एक तरीका है जो हम बताते हैं सबको कि नीम गर्म पानी में एक चुटकी नमक डाल के आप उसको मुंह में रखें, कुल्लियाँ नहीं करनी, आप इसे मुंह में रखना है। अच्छा तो वो काफ़ी, लेकिन वही वाली बात कि आप ये टेम्प्रेरी रिलीफ तो ले लेंगे लेकिन अगर आप कॉज ऑफ द इन्फेक्शन को नहीं हटाएंगे तो वो चीज़ थोड़े टाइम बाद फिर से हो जाएगी। सही। अच्छा एक अकलदाड़ के हवाले से अमूमन लोगों के जहन में सवाल आता है, बहुत लोगों का ये ख्याल होता है कि पता नहीं मेरी अभी निकली है या नहीं निकली, भूल जाते हैं, इसके हवाले से बताइएगा कि ये कौन से एज में निकलती है और किस एज के बाद आप वो उम्मीद छोड़ दें कि अकलदाड़ निकलनी है? देखिए ये अमूमन 17 से 21-22 साल की एज में जो है मुँह में अपेयर हो जाती है, ठीक है, और ये अकलदाड़ तब अपेयर होती है मुँह में कि जब आपकी ग्रोथ ऑफ बोन जो है वो कम्प्लीट हो जाती है। तो कभी कभी यही होता है कि ये तंग भी बहुत करती है, काफ़ी लोग आते हैं कि इसमें मसला पेनफुल है और फिर डॉक्टर कहते हैं इसको निकलवा दो, क्योंकि वो क्योंकि जो उसके आगे वाले दांत हैं, जो आगे वाले इसके आपके दाढ़ हैं, वो मेन खाने के दांत हैं, ठीक है, उसके पीछे ये क्योंकि बोन की फॉर्मेशन पूरी हो चुकी होती है तो अगर इसको जगह आगे ना मिले तो कभी ये आधी बोन में रह जाती है, इम्पेक्टेड हो जाती है या इस तरीके से इसकी पोजिशन हो जाती है कि ये अगले दांत को हिट करके अधूरा निकलना कह सकते हैं, अधूरा निकलना आप इसको कह सकते हैं। इसी वजह से कुछ लोगों के गम्स इसके ऊपर आ जाते हैं, फ्लैप क्लियर आ जाती है जो कि इन्फेक्शन करती है और बहुत कॉमनली दर्द का बायस बनती है, ठीक है। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो तो आप इसको डिले ना करें, ठीक है, क्योंकि ये आपके दूसरे दांत को भी डैमेज करती है और इसका कोई हल नहीं है, सही, फिर ये दांत निकालना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, रूट कनाल की जब हम बात करते हैं तो हम अमूमन जो है वो बड़ी दाढ़ों की बात करते हैं, जो पीछे की दाढ़ें हैं सारी वो बड़ी दाढ़ें हैं जिनमें रूट कनाल होता है, क्या सामने के दांतों का भी रूट कनाल होता है? जी जी, बहुत कॉमनली रूट कनाल होता है। देखिए जो पीछे वाले दांत हैं उनके उनसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पर खाना कंटिन्यूस खा कुछ ना कुछ हम खा ही रहे होते हैं तो वो तो चीज़ें वॉशअप हो जाती हैं, कोई गड्ढा बन जाए तो उसमें जमा होता रहता है वो, तो कॉमन है कि उसमें काफ़ी रूट कनाल हो जाता है।
लेकिन आगे वाले दांतों में भी जैसे मैंने बताया कि प्लाक की लेयर जम जाती है, ठीक है, अगर नहीं उसको आप उसको हटाएंगे तो फिर टाइम ऊपर सामने वाले दांतों में ऊपर की तरफ कीड़ा लगता है, ठीक है, और फिर वो भी रूट कैनाल की तरफ जाते हैं। समझेंगे इसके दांत के स्ट्रक्चर जो है एक ऐसा है कि आप इसको ज्यादा स्वीट से एक्सपोजर कराते रहेंगे, मीठा बहुत बार बार खाते रहेंगे। अच्छा, मीठा खाने से कैसे नुकसान होता है? अब वो लोगों का ख्याल ही होता है सवाल, मीठा मतलब चाहे वो स्वीट डिश की फॉर्म में हो या चॉकलेट्स की फॉर्म में हो, तो ये डायरेक्टली कैसे डैमेज कर सकता है दांत को? देखिए मीठा एक तो बचपन से शुरू हो जाता है क्योंकि घर वाले ये सोचते हैं कि शायद बच्चों को मीठा पसंद है, इस चक्कर में वो खाना ज़्यादा खाएगा, ठीक है, तो वहीं से एक प्रोसेस शुरू हो जाता है दांतों की डीमिनरलाइजेशन का, ठीक है, क्योंकि दांतों में जैसी प्लाक की लेयर होती है इसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जब मीठा मुँह का एनवायरमेंट मीठा हो जाता है तो समझें आपकी जो एक एसिडिक पीएच बन जाती है क्योंकि स्वीट्स एसिडिक होती है। अच्छा, अब ये जो एसिडिक पीएच आपके मुंह की डेवलप होती है तो ये जो बैक्टीरिया होती है दांत का भी, ये इस पे एक्टिवली जो है काम करते हैं और दांतों को डीमिनरलाइज करते हैं। एक पीएच है 13.5, ठीक है, और अगर ये समझें ये ही कंडीशन बार बार हर 10 मिनट बाद आ रही है दांतों के सामने के, ठीक है, मीठा आया फिर एसिडिक हो गया फिर डीमिनरलाइज हो गया, तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता वो कीड़ा लग लग के समझें एक कैविटी बन जाती है। बेसिकली डीमिनरलाइजेशन जो होती है एनामल की वो कीड़ा लगना होता है, ठीक है, वो बैक्टीरियाज की वजह से होता है और वो बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा एक्टिव, ठीक है, मीठे एनवायरनमेंट में होता है। अच्छा, और एक और इसमें एक बात ऐड करूँ कि ज़्यादा मीठा खाना मसला नहीं है लेकिन उसको बार बार खाना कि समझे हर 10 मिनट बाद आप कुछ ना कुछ मीठा यानी जा रहा है, मीडियम जो है वो नुकसान दे, एक साथ आप खा लें उसके बाद ब्रश कर लें, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन अगर आप हर 15 मिनट पे बच्चों को या बड़े भी अगर बार बार मीठा खा रहे हैं या कोई एक चीज़ आदत है कि टॉफी मुंह में रख के चल रहे हैं तो उस जगह पे वो दांतों को डैमेज कर, बिल्कुल सही। अच्छा, क्रैक्स देखने में आते हैं अमून दांत में, लीनियर क्रैक्स होते हैं वर्टिकल टाइप के और थ्रू आउट बड़ी दाढ़ों में भी नज़र आते हैं और सामने के दांतों में भी, तो ऐसी सूरत पर ये क्रैक्स क्यों डेवलप होते हैं और क्या इससे रोकथाम की जा सकती है अगर ऑलरेडी डेवलप हो गए तो? देखिए ज़्यादातर क्रैक्स हमें दिखते हैं छालियाँ खाने वाले लोगों में, ठीक है, जो कि कभी कभी तो समझिए आप किसी छालियाँ खाने वाले के मुंह की एग्जामिनेशन करेंगे तो उसको तकरीबन दाढ़ों में उसकी क्रैक्स दिखेंगे, क्रैक्स हैं, ये क्रैक्स दांतों को डैमेज भी करते हैं और कभी कभी ये डैमेज रिवर्सिबल नहीं होता कि वो वर्टिकल फ्रैक्चर अगर हो जाए, ठीक है, ठीक है, तो फिर दांतों को निकालना ही पड़ता है। अच्छा, दांत कमज़ोर होते हैं, दांत घिसते हैं इससे, ठीक है, ठीक है, तो ये इन चीज़ों की समझें आपने जिस तरह अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करते हैं उसी तरीके से आपने अपने दांत की मेंटेनेंस, तो ये क्रैकलिंग जो है इसके लिए क्या एहतियात आप एडवाइस करते हैं? तो छालियां ठीक है कि आप ना खाएं और अगर बन गए हैं तो, अगर ये अब ये आ गए हैं तो फिर इसमें यही है कि आप डेंटिस्ट से रुजू करके अगर कोई ज़्यादा डीप क्रैक्स नहीं है तो उसको वो फिनिश कर सकता है, फिलिंग कर सकता है, ठीक है, लेकिन वैसे जो क्रैक्स काफ़ी डीप हों फिर उसका कोई ट्रीटमेंट अच्छा ऐसा नहीं होता। अच्छा, बस लास्टली मैं आपसे कहूँगा कि हमारे नाज़रीन को आप एक ख़ास मैसेज एक लाइन में क्या देना चाहेंगे दांतों की हिफाजत के हवाले से? देखिए ना, सबको सबके लिए ये बात बहुत अहम है कि जब दांत में कीड़ा लगना स्टार्ट हो आप तब डेंटिस्ट के पास चले जाएं, ठीक है, या आप एक रेगुलर डेंटल विजिट रखें ताकि आपके बच्चों को भी आदत रहे डेंटिस्ट के पास जाने की, ठीक है, एक अवेयरनेस डेंटिस्ट से आपकी एजुकेशन होती रहे, तो आप दांतों का ख्याल रखें कि वो ख़राब ही ना हो, ठीक है, क्योंकि जितना वो ख़राब होता रहेगा उतना, क्योंकि आजकल की आवाम को एक ये चीज़ समझें इन टर्म्स ऑफ मनी बताना पड़ती है कि जितना वो कम ख़राब है उतना कम पैसा है और जितना वो होते 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 ख़राब गिर गया या खड्डा हो गया उतना ही अपनी जगह पे और प्लस पैसा अलग, दांत का नुकसान अपनी जगह पे है, पैसा उसमें अलग इन्वॉल्व है और एक डिसेबिलिटी आ रही है कि आप आगे जाके खाना नहीं खा पाएंगे। डॉक्टर फजलबाज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी चीज़ें हैं आज हमने गुटके और ओरल हाइजीन के हवाले से बात की, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में नाज़रीन हम डेंटिस्ट्री के हवाले से दांतों के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों में बहुत डिटेल में बात करें। इसके साथ ही हमारा इस सेगमेंट का टाइम ख़त्म होता है। नाउ इट्स ओवर टू यू सना। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। पान गुटखा छालिया जब आप खाते हैं आपकी पूरी पर्सनालिटी डैमेज हो जाती है, सो प्लीज़ ये आपकी पर्सनालिटी को भी ख़राब कर रहा है, आपकी ओरल हाइजीन भी इससे सफ़र कर रही है एंड जिस तरह अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर इसकी वजह से कुछ और इशूज़ हो जाएँ, तो प्लीज़ इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालिए, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाइए और आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि लोग जो हैं वो इंस्पायर हों आपकी पर्सनैलिटी से।
बहुत स्ट्रॉन्ग बोन होती है दांत, ओवरनाइट ख़राब नहीं होता, तो हमारी गलती की वजह से ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। इंशाल्लाह कल एक और बेहतर प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।